आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। नवंबर 2022 की मैगज़ीन आ चुकी है। इस पूरी मैगज़ीन को हम लोग 4 वीडियोस में कवर करेंगे। ये जो वीडियो राइट नाउ आप देख रहे हो ये इस 4 की सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो पहले इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स होंगे वो आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर होंगे। एंड किस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर हुआ है ये इसके थंबनेल पर आपको विजिबल हो जाएगा। जो टाइटल वाला एरिया होता है ना उसमें इतना स्पेस नहीं होता है, तो थंबनेल में आप देख सकते हो कि कौन सी वीडियो में कौन से सेक्शंस को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा EWS कोटा है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कोटा, इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। उन्होंने इसको मान्यता दी थी कि जो 10% का कोटा है ना ठीक है। तो इसमें हम लोग 103rd अमेंडमेंट क्या था उसके बारे में जानेंगे, ये कोटा क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन से आर्टिकल्स इसके थ्रू ऐड किए गए थे, इंदिरा सानी केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट दिया था ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे वो आपको याद रखने होंगे, उसके अलावा इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा होता है ना इसके द्वारा क्या क्या कंसर्न्स उठते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, देन फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये कोटा का जो वर्डिक्ट था ये ठीक था या फिर कोई और भी ऑल्टरनेट हो सकता है, और फ्यूचर में कैसे और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो एक केस चल रहा था विच वॉज अबाउट दिस जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था ना 103rd अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने 10% का कोटा दिया था, और ये जो कोटा था ना ये एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपहेल्ड किया इस चीज़ को। अपहेल्ड करने का मतलब ही होता है कि ये जो प्रावधान था ये ठीक है। हुआ क्या था, 2010 में एक रिपोर्ट आई थी सिन्हो कमीशन की, उसके बाद एक 103rd अमेंडमेंट 2019 में लाया गया था, उसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और 16 का जो क्लॉज 6 था ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। इसमें जो नॉन OBC और जो नॉन SC ST वाले सेक्शंस होते हैं ना जो कि इकोनॉमिक वीक होते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अब ये जो रिजर्वेशन है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट में भी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उनके पास चॉइस होगी कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एक बार जरा आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 को देख लेते हैं और आर्टिकल 16 के भी क्लॉज 6 को। देखो वैसे तो ये दोनों चीज़ें सेम सी हैं, दोनों में बहुत खास नहीं है, लेकिन एक तो 15 के अंदर बात की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, और ये जो हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 है ना इसमें बात की जाती है प्रमोशंस की, अपॉइंटमेंट और पोस्ट को लेकर के। तो इनमें थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम दी आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 वो तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब आपको मैं अगर सीधा बोल दूँ कि आर्टिकल 19 क्या है तो आपको आर्टिकल 19 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके रेस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ लागू है। आर्टिकल 23 क्या है तो आपको वर्बली पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स, प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं हर साल, मेंस में भी कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके GS2 में वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करते हो फंडामेंटल राइट्स का। एंड नॉट जस्ट GS2, बाकी भी GS1 में भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे हमारा विमेन वाला जो सेक्शन होता है और इंडियन सोसाइटी का होता है, देन GS3 में जो हमारा टॉपिक होता है एनवायरनमेंट का हो गया है ना वहाँ पर, और डिजास्टर वाला हो गया, कभी कभी उसमें ना कुछ स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। GS4 में एथिक्स में भी होता है। तो ध्यान रहे आप जिस भी लेवल पर हो अपनी प्रिपरेशन में, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रीएम्बल, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होने ही होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी एक्चुअल में इन्हीं में होती हैं। तो इस तरह की जो रिजर्वेशंस होगी ना इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये हमारे माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होती हैं। तो EWS का जो कोटा था ना इसमें किस किन किन को रिजर्वेशन मिलता है मैं थोड़ा वो भी देख लेना चाहिए। तो हमारा जो आर्टिकल 16 को जब अमेंड किया गया था ना उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ना 10% सीट रिजर्व करेगी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब वो व्यक्ति जिसको ऑलरेडी SC ST या OBC से कोटा मिल रहा होता है ना वो इसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और जिनका एनुअल इनकम जो होता है ना बिलो 8 लाख होता है ना
उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा. ऑलराइट. एंड एक्सक्लूडेड वर दोज हु हैव 5 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जिनके पास 5 acres से या फिर उससे ज़्यादा की ज़मीन होगी ना, उनको इससे बाहर रखा गया, उनको ये वाला कोटा नहीं मिलेगा. या फिर उनके पास एक रेजिडेंशियल फ्लैट होगा जिसका एरिया होगा 1000 square feet का, उनको भी नहीं मिलेगा. या फिर एक रेजिडेंशियल प्लॉट होगा 100 square yards का और वो कुछ नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया में होगा, या फिर किसी और एरिया में होगा 200 square yards का, उन लोगों को ये नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए. एक्चुअल में हमारा जो पहले वाले रिजर्वेशन थे ना, जो ओबीसी को मिलता है 27% वाला जैसे, है ना, बाकी एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ये ना कास्ट के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस है. तो ये सोशल रिजर्वेशंस बोलते हैं हम इनको. अभी जो ये ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है ना, ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है. आगे हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स को, तब थोड़ा सा आपको ये और क्लियर हो जाएगा. इसलिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि भाई आपकी इतनी ज़मीन होगी और आपके पास इतना पैसा होगा, और आपके पास ऑलरेडी अगर आप एससी एसटी ओबीसी में अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस वाला नहीं मिलेगा. एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा सोहानी केस 1992 का, उसमें एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी. उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्यूचर में ना जब भी रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमको 50% का एक रूल लगाया गया था, ठीक है, कि 50% सीट आप दे सकते हो, लेकिन जो 50% ऊपर की होंगी ना, वो आपको मेरिट के लिए छोड़नी पड़ेंगी, ताकि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1992 का इंदिरा साहनी केस, 50% का रूल. क्योंकि ऐसा हुआ है कुछ जगह पर जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स ना इस रूल को वायलेट करती हैं, तो वो मुद्दा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा होता है. बट हुआ क्या था ना, वो कब वायलेट कर पाते हैं उसको लेकर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि इसको बिल्कुल भी बियॉन्ड नहीं जाना है, कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर इसको वायलेट किया जा सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस ही होंगे. वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट डिसाइड करेगा. अभी जो वर्डिक्ट आया है ना 2022 वाले केस का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. तो उन्होंने कहा था कि जब रिजर्वेशन दिया जाता है ना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर अलोन, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? 1973 में ना केशवानंद भारती केस हुआ था, राइट, केबीसी का. उसमें बताया गया था कि सुप्रीम एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है. इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, इसको ना केस टू केस इंटरप्रेट किया जाता है. तो ये ध्यान रखने वाली बातें आपके लिए. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी ए सोल बेसिस. उन्होंने कहा था कि भाई पहली बात कही गई थी, बट अभी उन्होंने अपना स्टांस ना थोड़ा सा उसको बदला था. उन्होंने कहा था कि भाई पहले इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो था ना अकेला, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करेगा ही, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता, तो उन्होंने इसको एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी के तौर पर मान्यता दी है. फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों ने एससी एसटी और ये जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को होते हैं ना, इनको अलग क्यों किया था? ताकि डुप्लीकेशन ना हो. जो भी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनमें डुप्लीकेशन नहीं होने चाहिए. ऑल्सो रिजर्वेशन है ना एक कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर द एजुकेशन इज इम्पार्टेड. ये गवर्नमेंट के लिए है. रिजर्वेशन गवर्नमेंट में दिया जाता है, प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलता है. तो आपको बातें पता ही होंगी, बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं. फिर 50% का जो रूल था ना इंदिरा साहनी जजमेंट का, हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड इनवायलेबल. अभी जो 10% दिया था ना अबव दैट, जो 27% ओबीसी का होता है एंड बाकी जो 15% 7.5% एससी एसटी का होता है, तो इन्होंने कहा था ये जो हमारा रूल था ना उसको वॉलेट हमने नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्टिंक्ट कैटेगरी कंसिडर किया था. फिर इट हैज़ अप्लाइड ओनली टू एससी एसटी एसईबीसी ओबीसी कम्युनिटीज एंड नॉट द जनरल कैटेगरी. ये सिर्फ इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा. तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसके अंदर चीज़ें, बट टफ नहीं है, आसान है. आप इसको खुद भी बाद में दोबारा पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. अभी जजमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. इससे ना हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है ना उसमें एक अफर्मेटिव एक्शन आएगा. अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव चीज़ों की बात की जा रही होती है. हमारा जो मंडल कमीशन बैठाया गया था ना, उसमें उन्होंने बात की थी कास्ट रिजर्वेशन की. अभी जो बात की जा रही है ना, वो की जा रही है इकोनॉमिक रिजर्वेशन की, ठीक है ना. तो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है ना, इसमें डिस्कशन की गई है बियॉन्ड कास्ट रिजर्वेशन की. ऑलराइट. तो कास्ट जो है ना हमारी कंट्री के अंदर बैकवर्डनेस का एक प्रोमिनेंट फैक्टर होता है, और कोर्ट ने हमेशा से इस चीज़ को डिस्करेज किया था कि किसी को भी कास्ट के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई ना किया जाए. फिर 2015 के अंदर ना राम सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि हमको ना एक ऐसा नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन लाने की ज़रूरत है. हमारे जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, हम उनको हमेशा कास्ट के तौर पर बैकवर्ड बोल देते हैं. किसी की कास्ट ऐसी होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई तुम बैकवर्ड हो. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार हमें कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जहाँ पर हम उसको कास्ट के अलावा उसकी बैकवर्डनेस को डिफाइन कर पाएँ. तो
ये जो जजमेंट आया ना अभी, ये इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। फिर अब कुछ नई प्रैक्टिसेज हैं, नई मेथड्स हैं, नई यार्ड स्टिक्स हैं। यार्ड स्टिक मतलब होता है कि मेजर करने के लिए, जैसे एक गज होता है ना, एक यार्ड एक गज को बोलते हैं, तो उस तरह के कुछ टूल्स मेथड्स मैकेनिज्म्स हमको निकाल के लाने हैं ताकि हम लोग सोसाइटी के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मेजरमेंट्स कर सकें। फिर हमारा एक अटेम्प्ट है कि जो पुअर है ना अमंग द जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर सब लोग बहुत प्रिविलेज नहीं होते हैं, बट देर आर पुअर पीपल ऑल्सो, वो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, उनको भी एक इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका हमेशा से गोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स रहे हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है। देखो, एक होता है चेंज, राइट, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये पॉजिटिव कोनोटेशन में काम करता है, चेंज जो होता है ना, ये नेगेटिव में भी काम कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन नेवर बी ए नेगेटिव चेंज। हमारे संविधान का एम है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अफर्मेशन की तरफ जाना है, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है, सिटीजन्स का वेलफेयर पे काम करना है, ठीक है। तो कास्ट के साथ में अगर हम लोग इस चीज़ को रीड करते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तो हमारी कंट्री का एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी निकल के आती है और हमारा एक एक्सपेंशनिस्ट का व्यू निकलता है, दैट वी आर एक्सपेंडिंग, वी आर क्रिएटिंग मोर पॉसिबिलिटीज़, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो वेलफेयर की तरफ है। अब कुछ कंसर्न्स देख लेते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा था इसको लेकर कंसर्न क्या दिए गए। एक बहुत ही सिंपल सी बात दी गई थी, उन्होंने कहा था कि देखो भाई साहब, बात की जा रही थी सोशल एम्पावरमेंट की रिजर्वेशन में और आपने दे दिया फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पॉलिटी को एलिवेट करने का एक मेजर निकाल लिया, पॉलिटी को, सॉरी पॉलिटी नहीं, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं। आप स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर सकते हो, आप दूसरी स्कीम्स रन कर सकते हो। यहाँ पर तो सोशल जस्टिस की बात की गई थी, इसलिए सोशल में जो लोअर कास्ट थी ना उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी, आपने तो इकोनॉमिकली वीकर लोगों को भी अपहेल्ड कर दिया। फिर उन्होंने कहा था कि जब हम किसी को इकोनॉमिक कोटा को जस्टिफाई करते हैं तो बात की जाती है क्या वो पब्लिक गुड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो सब्सिडीज़ का होता है ना कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी को लेकर के और प्रॉपर अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर को लेकर के, हमारे आर्टिकल 15 में आता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब्सिडीज़ आर्टिकल 15 से कनेक्ट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आप रिप्रेजेंटेशन जो है ना कम्युनिटी का, वो पब्लिक गुड्स के हिसाब से आर्टिकल 15-16 में एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था ना, कास्ट के अंदर रिजर्वेशन देना क्यों स्टार्ट किया था। देखो, जब ये रिजर्वेशंस आए थे ना 1947 के बाद में, जब ये बातें चल रही थी कि यार हमको रिप्रेजेंटेशन में ना कास्ट को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उस टाइम पर बात की गई थी कि ना 10 साल के लिए देते हैं रिजर्वेशन का, 10 साल के बियॉन्ड ना 1957 के बाद ना इसको चेक करेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों का अपलिफ्टमेंट हो पाया है नहीं हो पाया, और फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे रिजर्वेशन को। बट पता चला कि नहीं हो पाया, तो इसको कैरी ऑन करते जा रहे तब से। एम यही था कि इंडिया के अंदर जितने भी डाइवर्स कम्युनिटीज़ है ना, सबको इक्वल स्टेज पे लेके आ जाए हम लोग एक बार, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या चल रही थी ना, ये क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना जो कास्ट जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो जाती है, फादर से सन है ना, उसके बाद उसका फिर वो फादर बन जाता तो उसके सन तक, तो ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी चलती है। बट पॉवर्टी के केस में ऐसा नहीं होता, गरीबी के केस में हो सकता है कि एक फादर जो है, एक जनरेशन जो है वो काफ़ी पुअर है, बट द मोमेंट उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनका बेटा वो पुअर ना हो। तो हम लोग यहाँ पर पॉवर्टी वाला जो एक्सक्यूज़ है ना वो नहीं ले सकते, कास्ट वाला एक्सक्यूज़ समझ में आता है क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो जाता है, वो एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बट व्हाट अबाउट पॉवर्टी, वो तो नहीं बन सकती ना, वो तो चेंज हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, हज़ारों लाखों के हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था इसके अंदर। देन उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है ना, क्योंकि आप लोगों ने ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी को ईडब्ल्यूएस से एक्सक्लूड कर दिया है, तो यानी कि आप जो मतलब कंपटीशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब इसमें कास्ट वाले जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली वीक भी तो हो सकते हैं ना, हो सकता है वो वहाँ पर कास्ट वाले से ना ले पाएँ बट इकोनॉमिक वीकर वाले से ले सकते हैं वो, तो आपने इनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो आपने क्लियरली इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को वॉलेट किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिसेंट जजमेंट आया था ना, इसमें इस तरह का एक्सक्लूजन जो आपने किया है ना इनको ओबीसी को, ये अपने आप में बहुत आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाला, और आर्बिट्रेरी मतलब आपने अपनी मर्जी से कर दिया है, आपको सही लगा तो आपने ऐसा कर दिया। फिर कुछ इशू बहुत ही सेंसिबल जो इशू बताए गए थे, जो कि जब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा था मुझे बहुत सेंसिबल लगी। उन्होंने कहा था इनकम क्राइटेरिया वाला इशू, देखो उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं ना, उसमें जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है ना ईयरली, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने होते। बट जब बात आती है रिजर्वेशन देने की, तब आपका जो लिमिट है वो 8 लाख का हो जाता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, ये देखो 8 लाख वाली लिमिट लगाई गई थी,
ठीक है, जिनकी इनकम एनुअल इनकम जो होती है ग्रॉस एनुअल इनकम वो इससे कम है। तो उनका ये इतना बड़ा गैप क्यों, इसको समझने की कोशिश करनी होगी हमें। फिर इसमें एक्सेसिव कवरेज दे दिया गया आपने 8 लाख का, द मोमेंट आप 8 लाख दे रहे हो ना बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है। देन उन्होंने कहा कि डेटा की कमी है, खासकर उन लोगों की जिनके पास डायरेक्ट इनकम के सोर्सेज क्या है। हो सकता है कि लोग गलत तरीके से अपना गलत इनकम का डिक्लेरेशन कर दें, झूठ बता देंगे, आप उनके डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ खोजते फिरोगे। फिर इट कैन बिकम अ टूल ऑफ पॉपुलिज्म। अभी तो आप लोगों ने बात की थी कि 57% की लिमिट को हम लोग क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में किया जाएगा, बट हो सकता है ना फ्यूचर के अंदर, हमें क्या पता है ना, इसको इन्फेक्ट किया जाए बाद में, फिर ये गेटवे बन जाएगा, ये पॉपुलर टूल बन जाएगा बार बार रिजर्वेशन देने का। ऐसे हम लोगों ने देखा, आप लोग पढ़ते हो ना GS1 में पढ़ते हो, जो GS1 में कम्युनलिज्म का और जो रीजनलिज्म का टॉपिक होता है ना, वहाँ से ये भी कनेक्ट होता है, डिमांड ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, सन ऑफ द सॉइल, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, रिजर्वेशन वाली, डिमांड ऑफ सॉइल। ठीक है, कुछ समय पहले जो जाट रिजर्वेशन को लेकर के जो बात की जा रही थी, ठीक है, दिल्ली हरियाणा के आसपास के रीजन में ट्रेनें बहुत रोकी गई थी कुछ सालों पहले, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें जब आप देना स्टार्ट करोगे तो डिमांड तो इंक्रीज़ होती चली जाएगी ना। तेलंगाना के आसपास भी एक डिमांड उठी थी रिजर्वेशन को लेकर के, फिर कुछ लोग लैंग्वेज को लेकर के डिमांड करते हैं, डिमांड चलती चली जाती है। इट बिकम्स अ टूल ऑफ पॉपुलिज्म, दिस काइंड ऑफ वर्डिक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, हमको ना इंटेंडेड बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्चुअल में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनको वास्तव में ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे को बहुत डिटेल्ड डेटा पे जाना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस उनके लिए प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, है ना, जो मोस्ट जेन्युइन टारगेट ग्रुप्स होते हैं ना उनको पकड़ना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि बेनिफिट जो है ना इस पॉलिसी का उन तक पहुंचे। फिर गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर सकती है कि जो EWS का कोटा होता है ना, ये सभी कम्युनिटीज़ के लिए ओपन कर दो, वो एक्सक्लूजन वाला पार्ट हटा दो यहाँ से, ठीक है। और ये जो आपने इनकम का क्राइटेरिया रखा था ना, है ना, इट हैज़ टू बी इट मच लोअर देन द सीलिंग, इसको आप इनकम टैक्स स्लैब के पास रख दो, रादर देन सेइंग कि जिन लोगों का सैलरी 8 लाख तक का है उसकी जगह आप इसको 2.5 लाख ही कर दो ना। जब वो पर्सन टैक्स की IR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहा है, है ना, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसको दे दो सिर्फ, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी से ना चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, काबू करना ईजी हो जाएगा। फिर ये अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ऑल राइट, एंड कंटिन्यूसली इवॉल्व भी होता रहेगा, तो हमें चीज़ों को और इंक्लूसिव करना पड़ेगा फ्यूचर में, और उनको अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव जो वर्ड होता है ना पॉजिटिव कोनोटेशन में होता है। और हम क्या कुछ कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो लिमिट हो सकती है उसको फिर हम कुछ के लिए चूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर्स वाले पॉइंट। तो दिस वॉज अबाउट इट, ये ध्यान रखिएगा 103rd Amendment, ये पक्का आएगा दिखने आसपास में, अभी 1-2 साल में 2023-24 में ना ये प्रीलिम्स में घूम फिर के आ जाएगा, ये आर्टिकल 15-16 कहीं ना कहीं से आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था ये सुप्रीम कोर्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरे वाला चैनल है ना उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जो डेली न्यूज़पेपर कवर किया जाता है ना उसमें हम लोगों ने 2 बार कवर किया था ये वाला, क्योंकि एडिटोरियल में बैक टू बैक आया जा रहा था, तो जिन लोगों ने वहाँ से फॉलो किया था उनके लिए तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर समझना इज़ लाइक केक वॉक की तरह था, ये सब कुछ तो पहले समझ ही लिया था। चलिए जब नेक्स्ट पे चलते हैं, UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रिलिम्स में भी मेंस में भी स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है, 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को, तो ये जो माइंड मैप्स हैं इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे
रेगुलेशन ऑफ एनजीओस को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा, मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह, सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कॉन्टेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है, एंड अपनी नीड्स के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे अक्वायर करना होता है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे, देखोगे तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी। देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, SS में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और
थ्री पीज में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, एथिक्स में यूज़ हो सकता है। फाइव आइज में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग। करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। थ्री एफ मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं। तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन से बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो। और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा। उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर। जैसे कि ये रहा आपके सामने, अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए। कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी, फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम, तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडनवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रिलिम्स में, मेंस में, याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे, ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स हैं ना, उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इंटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है, लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए।
तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी चार पांच और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़ बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो, तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विदिन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 1.2 है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर ने एक बिल प्रेजेंट किया था राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये न्यूज़ में क्यों था, अभी राइट नाउ इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है हमारे पर्सनल लॉज को लेकर के, इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इस चीज़ को लेकर के जो आप एग्जाम में पंचलाइन की तरह यूज़ कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रोड एहेड आगे हम क्या कर सकते हैं। ये टॉपिक में हम लोग पहले कई बार कवर भी कर चुके हैं, और ये मतलब न्यूज़ में हर आई थिंक एवरी अल्टरनेट मंथ से आता ही रहता है। तो जो माइंड मैप्स वगैरह है ना, वहाँ पर भी टॉपिक मैंने 2 बार कवर किया हुआ है, ये आपके सामने है, अगर आप लोग चाहो तो माइंड मैप्स भी पढ़ सकते हो उस चीज़ को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे कुछ 900 माइंड मैप्स है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, वहाँ से भी चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। अभी हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो चीज़ें हैं, हालांकि सब वही है, पुराना कंटेंट कुछ इसमें नया आया नहीं है, सब कुछ यहाँ पर स्टैटिक है। अगर आप में से किसी को टॉपिक अच्छे से आता है तो उसको स्किप कर सकते हो बेशक चाहो तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जिसको रिवाइज करना है वो पक्का सुने, एक ध्यान रहे, आर्टिकल 44 हमारा जो DPSP का है ना, वहाँ पर बात किया गया था कि द स्टेट शेल एंडीवर, ठीक है। तो DPSPs हैं वो कुछ डायरेक्शंस हैं, ठीक है, गवर्नेंस के लिए, वेलफेयर के लिए, तो स्टेट यानी कि जो कंट्री होगी ना वो एंडिवर कर सकती है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो फॉर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सिंस ये DPSP में है तो ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट भी हो गया, और इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो है कि हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, ये सारे के सारे हमारी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास संविधान में 12 शेड्यूल हैं, उसमें से जो 7th शेड्यूल होता है ना उसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर कानून बना सकती है, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि सिर्फ दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी, और अगर दोनों में से कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मतलब आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो से होगा ना वो बात मानी जाएगी। और जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो इन लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सारे के सारे माने जाते हैं हमारे रेजिडरी लिस्ट में, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम जरा देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत कैसे हुई थी 1840 में। अब 1857 में हमारा जो रिवोल्ट हुआ था वो सबको पता होगा, मंगल पांडे वाला, उससे थोड़ा सा और पहले चले जाओ, तकरीबन कुछ 10-13 साल पहले चले जाओ, एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्होंने बात की थी
क्राइम्स को लेकर, एविडेंस को लेकर और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कुछ यूनिफॉर्म लॉज के बारे में बात की थी, लेकिन जो पर्सनल लॉज थे ना हिंदूज के मुस्लिम्स के, देवर इंटेंशनली लेफ्ट टू देम। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं था, बस समझना था, थोड़ा आइडिया रखना था। फिर 1941 के अंदर गवर्नमेंट ने एक बी एन राव कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हिंदू जो भी लॉज है ना आप इन सबको कॉडिफाई कर दो, ठीक है, और विमेन को भी इक्वल राइट प्रोवाइड करो आप लोग। ओके, ये तो हो गया 1947 से पहले की बात है। अब 1947 के बाद क्या होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना उसकी एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हेड कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लो, आपकी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो स्टार्टिंग चीज़ है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ ही मैंशनड है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उन्होंने डिसाइड किया था कि UCC वॉज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपका अधिकार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए इसको उन्होंने बाद में DPSP में रखा था। 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया था, ये हम लोग आगे देखेंगे इसको भी, जहाँ पर एक सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जैसे हिंदुज़म के लिए जो लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम वालों के अलग हैं, क्रिश्चियन वालों के अलग होते हैं, बट क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। तो अगर आप कल को अगर आप मैरिड हो तो, या फिर आपको कल को शादी करनी है, तो अगर आप इंटर रिलीजियस करते हो ना और कोई आपके शादी में रुकावट डालने की कोशिश करता है, देन यू कैन यूज़ दिस एक्ट, आप इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हो इंटर रिलीजियस। 1955 और 56 के अंदर चार हिंदू कोर्ट बिल्स पास किए गए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए थे जिन्होंने एडवोकेट किया था, एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब इंडिया में राइट नाउ क्या स्टेटस है, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि इंडिया में किसी भी स्टेट के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हाँ जी, गोवा के पास अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन वो गोवा के पास कैसे है, उस समय की बात है, ये है 1867 की, जो पोर्तुगीज सिविल कोड था ना ये वो है। ऑलराइट, तो पोर्तुगीज सिविल कोड ना अपने आप में कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजन्स हैं जो रिलीजियस बायस बेसिस के ऊपर बनाए भी गए हैं, कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं। ऑलराइट, जैसे कि उसमें हिंदू जो मैन है ना उनको बायगेमी का मतलब होता है कि दूसरी शादी, दो शादियाँ, बाय मतलब टू और जो गैमी वर्ड है शादी से कनेक्टेड होता है उनको, और एक होता है पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी में पॉली मतलब मल्टीपल, गैमी मतलब शादी से, तो हिंदू मैन को बायगेमी अलाउड है, दो शादियाँ, अगर उनकी जो वाइफ है वो एक चाइल्ड बाय द एज ऑफ 25 तक डिलीवर नहीं कर पाती है, ठीक है, हस्बैंड इज़ देयर, वाइफ इज़ देयर, ठीक है, अगर इनकी वाइफ बाय द एज ऑफ 25 अगर कोई बच्चा डिलीवर नहीं कर पाती है और अगर ये पर्सन चाहता है तो ये दूसरी शादी कर सकता है, विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ राइट, मतलब कोड में अलाउड है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी वाइफ की उम्र 30 साल हो चुकी है लेकिन उसका अभी तक मेल चाइल्ड नहीं हुआ, कोई लड़का नहीं हुआ है, और तब वो व्यक्ति चाहता है दूसरी शादी करें तो वो कानूनी प्रावधान के अंदर है, ये गोवा के लिए है सिर्फ अभी तक, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें रिलीजन के बेसिस के ऊपर भी की गई हैं, लेकिन बहुत हद तक इसमें जो पोर्तुगीज टाइम का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो भी लागू होता है। तो लास्ट ईयर 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ना थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया था कि जिस तरीके से गोवा के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे हिंदू में यहाँ पर मेन को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई है, तो उन्होंने कहा था इन चीज़ों के अलावा पर बहुत हद तक गोवा के अंदर ये चीज़ अच्छे से लागू हो रही है, इसको हो सकता है हम लोग पूरे इंडिया में लागू कर सकते हैं। इट वॉज शेयर्ड एज एन एग्जाम्पल। तो बहुत सारी इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, है ना, सबके पास ना एक सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज होता है, इनको हम पर्सनल लॉज बोलते हैं, जिसमें कि हमारी मैरिज आती है, अडॉप्शन वगैरह आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह के आते हैं। तो जैसे हिंदू के जो पर्सनल होते हैं ना, जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उसमें चार बिल हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। अब हिंदूज का मतलब क्या, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये भी हिंदूज में ही काउंट होते हैं। फिर कुछ मुस्लिम के पर्सनल लॉज भी हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे शरिया एप्लीकेशन एक्ट है ना, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है, ये भी हैं। क्रिश्चियन मैरिजेस के लिए हमारे पास इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, है ना, जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं उनके लिए पारसी मैरिज और डाइवोर्स एक्ट भी है। अब ये तो हो गया रिलीजियस बेसिस के ऊपर, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप को रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, वो अपने आप को बिल्कुल सेकुलर मानते हैं, हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे किसी रिलीजन के साथ कोई संबंध नहीं है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप इंटर रिलीजियस मैरिज कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव दिस गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये भी हैं, यहाँ पर गार्जियन जो होते हैं ना उनको उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे इस एक्ट के थ्रू उनके कुछ प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इंडिया के अंदर करंट स्टेटस क्या चल रहा है। अब सिंस ही बिल प्रेजेंट किया गया है एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा, प्राइवेट मेंबर कौन होता है, जो मिनिस्टर नहीं है, जनरली जो बिल वगैरह प्रेजेंट किए जाएंगे वो मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे,
बट प्राइवेट मेंबर भी बिल को प्रेजेंट कर सकता है। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, एक जो आपकी इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट वाला सेक्शन होगा ना उसमें ही आता है कि क्या प्राइवेट मेंबर कौन से बिल प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ पर तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे, बट दिस इज़ अ टॉपिक ओवर देयर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में हमको क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्या अभी जैसे चल रहा है वैसे कोई दिक्कत है क्या, तो समझने की कोशिश करते हैं। एक तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। हमारा जो लॉ कमीशन है ना, उनकी 2018 की ना एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि जो पर्सनल लॉज अभी है ना राइट नाउ, इसमें ना विमेन को बहुत हद तक डिसप्रिविलेज किया हुआ है, बहुत हद तक। जैसे कि जो अभी हम लोगों ने देखा गोवा वाला जो था ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, इवन उसके अंदर भी डिसप्रिविलेज था विमेन को लेकर के। तो जो पर्सनल लॉज है ना, क्योंकि ये किसी ट्रेडिशन या कस्टम से डिराइव होते हैं ना, तो इसमें अनड्यू एडवांटेज मिलता है मेन को, क्योंकि पुराने तरीके से आ रहे हैं। उस ज़माने में जो लोगों को समझ में आया था उन्होंने वो किया, आज का ज़माना बदल चुका है। जब ये एक्ट बनाए गए थे तब परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल दिया है, मुस्लिम मैन जो है ना उनको अलाउ किया रहता है कि उनकी मल्टीपल वाइफ्स हो सकती हैं, पॉलीगैमी। ठीक है, कि ठीक है एक मुस्लिम व्यक्ति है, एक पुरुष है, वो एक बार में एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकता है, लेकिन यही चीज़ एक वुमेन के बारे में प्रोहिबिटेड है। ठीक है, फॉरबिडन है, मुस्लिम महिला एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर 2005 में एक अमेंडमेंट आया था हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके बावजूद भी विमेन जो है ना उनको भी दे आर कंसिडर पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज। ओके, होता क्या है ना, अगर कोई हिंदू विडो डाइज विदाउट एनी एयर्स और विल, अब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी उसके हस्बैंड की फैमिली को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देख रहे हो ना किस तरीके से अनड्यू एडवांटेज जा रहे हैं मेन को। यही सारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को जेंडर इक्वलिटी पे काम करना है, इसलिए हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। फिर मेन जो फादर्स होते हैं ना उनको नेचुरल गार्जियंस भी कंसिडर किया जाता है। हमारा जो हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियंस एक्ट है ना उसमें प्रेफरेंस दी जाती है मेन को एज फादर। ओके, इसके अलावा बताया गया है कि जो हिंदू पर्सन लॉज थे ना इसमें तो मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है ना उसमें बहुत कम बदलाव लाए गए थे। तो ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है इनके अंदर, रिवॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। अलग अलग कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं लेकिन एक साथ नहीं चल पा रहे हैं, बदलाव एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। फिर थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या है ना, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरह के लॉज हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जुडिशियरी के पास ना कितना बड़ा बर्डन है इन लॉज को लेकर के, तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस बहुत स्पीडली नहीं हो पा रहा है। हम क्या कर सकते हैं ना, हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन सभी कॉम्प्लेक्स लॉज को। हम एक सेम सिविल लॉ लगा सकते हैं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव उनका फेथ क्या है। देन कुछ वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल मतलब जो इकोनॉमिकली सोशली बहुत ही अंडर प्रिविलेज होते हैं, उन लोगों को भी, जैसे हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे जो इज़ अ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि जो विमेन होते हैं ना और जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको, अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया में कौन सी कौन सी, जैसे जैनिज्म ही हो गया है ना, बुद्धिज्म ही हो गया, एक तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। और उन्होंने कहा था इन सबको ना इक्वल तरीके से देखना पड़ेगा हमें, चाहे वो विमेन हो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो। और ये अपने आप में विमेन भी एक तरीके से वल्नरेबल सेक्शन में काउंट होता है व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल लॉस, वी हैव टू मेक श्योर कि इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो रिलीजियस ट्रेडिशन के द्वारा गाइड की जाती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इक्वलिटी वगैरह के, उनके अगेंस्ट जाती हैं वो, उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है, ऐसा बताया गया। यहाँ पर कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंपॉर्टेंट दो आपको याद रखनी है, सरला मुद्गल केस और शाहबानो केस, ये भूल ही नहीं सकते आप, 10 साल के गैप में आए थे दोनों। तो शाहबानो केस के अंदर पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटोर्स ऑफ ए कॉमन सिविल कोड। जाहिर सी बात है पार्लियामेंट ही बनाएगा उसके ऊपर एक्ट, अगर पार्लियामेंट बनाएगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि पर्सनल लॉज जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, लेकिन शाहबानो में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कुछ कंटोर्स, कंटोर्स का मतलब हो गया कि एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आउटर कर्व क्या होगा वो बनाने की ज़रूरत है कॉमन सिविल कोड के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो नेशनल हारमोनी पे काम करेगा एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, व्हाट हैपन्स इन सरला मुद्गल केस 1995 के अंदर, उन्होंने रीआइटरेट किया था द नीड फॉर पार्लियामेंट टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच वुड हेल्प कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। ठीक है, दो तरह की विचारधाराएं होती हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो आपस में जो टकरा जाती है तो प्रॉब्लम होती है। उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस को रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो स्टेट वाइज अगर सारे स्टेट अपना अपना बनाएंगे ना तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगी, आप एक काम करो आप एक मॉडल एक्ट बना दो, ठीक है, और उसको स्टेट्स के पास सेटअप कर दो, स्टेट्स उसमें फिर अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देंगे, उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें कॉमन रख दो आप, जैसे विमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख दो, है ना,
और सक्सेशन के राइट्स किसको जाने चाहिए, ऐसा कुछ रख दो। ठीक है, मैरिज में पॉलीगैमी और बायगैमी मोनोगैमी, उसकी कुछ कॉमन चीज़ें बना दो, फिर स्टेट्स को बोल लो कि अपने हिसाब से वो चेंजेस कर लेंगे। तो ये दो जो केसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में। अब ये तो हो गया कि नीड बता दी, लेकिन बीइंग एन ब्यूरोक्रेट, बीइंग एन फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जुडिशरी सक्सेसफुली काम इसलिए कर पा रही होती है क्योंकि वो दोनों साइड्स को सुनती है। तो अगेंस्ट भी बताया गया है कि अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो देर इज़ डाइवर्सिटी विद इन द सेकुलर सिविल लॉज। हमारे जो ऑलरेडी सिविल लॉज है ना, जैसे हमारा सीआरपीसी हो गया, हमारा सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ये अपने आप में सिविल मैटर्स हैं, इनमें ऑलरेडी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हमारे सिविल लॉज के अंदर। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ क्वालिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ऑलरेडी इस तरह की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की हुई है। फिर कम्युनल पॉलिटिक्स हो सकता है, ऑलराइट। इस चीज़ को ना एक तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म रिफॉर्म माना जा रहा है कि एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी की कम्युनिटी है वो इस चीज़ को, इस थॉट को ड्राइव कर रही है। तो कुछ एक एसआर मुंबई का जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरह से वार्न किया था कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एसआर मुंबई की। अब ये देखो, ये सिर्फ फंडामेंटल इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में काम नहीं आएगा, कहीं पर कोई पॉलिटिक्स का टॉपिक भी आएगा ना, वहाँ पर भी काम आ जाएगा। आपको जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो होता है ना, उसके क्वेश्चंस आते हैं GS2 में मेंस के, वहाँ आप लिख सकते हो। ये रिलीजन का कोई और टॉपिक आएगा, वहाँ पर लिख सकते हो आप। GS1 में आज कुछ आ सकता है, वहाँ लिख सकते हो। तो याद रहे, एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन। फिर इट इज़ अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था। कारण ये था कि लाइन इतनी सुंदर लिखी हुई है ना यहाँ पर, कि आप अगर इसको स्पेशली अपने वे फॉरवर्ड के लिए, वैसे तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में था, बट मुझे ये लगा था कि ये रोड अहेड में भी हो सकता है, है ना, और ये शायद लास्ट कंक्लूजन में भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट किया। समझते हैं, अ यूनिफाइड नेशन डज नॉट नेसेसरली नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। जब एक नेशन अपने आप में यूनिफाइड है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, थॉट प्रोसेस दूसरे हैं, उसको इतना यूनिफाइड ऑटोमेटिकली इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, तो उसमें फर्दर और इंटरनल यूनिफॉर्मिटी लाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिकनसाइल आर डाइवर्सिटी विद यूनिवर्सल एंड द इनडिस्प्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। कोई ज़रूरी नहीं समझना, टर्म सेक्युलरिज्म जो है ना, हैज़ मीनिंग ओनली, सेक्युलरिज्म का मतलब तभी निकल के आता है इफ़ इट अश्योर्ड द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंस। अगर डिफरेंस दिखाई देगा तो, अगर वो अश्योर करता है इस एक्सप्रेशन को, देखो इसका मीनिंग बहुत आसान है समझना, कठिन नहीं है। आप सिंपल जो सामने लिखा हो उसी को समझने की कोशिश करो। और ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। दिस डाइवर्सिटी बोथ रिलीजियस एंड द रीजनल शुड नॉट गेट सब्ज्यूम्ड अंडर द लाउडर वॉइस ऑफ मेजॉरिटी। कोई एक मेजॉरिटी कहती है कि ये कर दो, ऐसे कर दो, यूनिफॉर्मिटी ले आओ, देन इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंट। वी हैव टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। हमारे देश के अंदर जो विविधता है ना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है एक्चुअल में। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे विमेन को लेकर के कुछ डेरोगेटरी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर जेंडर को एडवांटेज ना दें, दोनों को बराबर फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि इतनी बड़ी वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस है, डाइवर्सिटी है ना, उसको हम सब कुछ यूनिफॉर्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा नहीं, ये एक मेजॉरिटी थॉट प्रोसेस आएगा। लेट देम रिमेन डाइवर्स, किसी ने कहा था बहुत खूबसूरत बात कि इस पूरे वर्ल्ड का जो केओस है ना, इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे जंगल में जाते हो ना, पेड़ सारे टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होते हैं ना, इसलिए जंगल बड़े अच्छे लगते हैं। समंदर में जाते हो तो लहरें ऊंची नीची होती हैं, पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ ऊंची नीचे होते हैं, टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे, उनकी खूबसूरती बनती है ऐसे। ऐसे समाज का भी ऐसा है, ऐसे कंट्री का भी ऐसे ही होता है। जो डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट तरह के थॉट प्रोसेस, बिलीफ, ट्रेडिशंस, कल्चर, इससे खूबसूरती निखर के आती है। ओके, देन इट कैन ऑल्सो इरोड द माइनॉरिटीज राइट। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये क्लैश करेगा उसके साथ में। लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये कहा था कि राइट नाउ इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, 2018 का ही है, बहुत पुराना नहीं है। तो फिर हमारा रोड अहेड क्या हो सकता है जी? यस, वी कैन गो अहेड विद द कोलैबोरेटिव अप्रोच, है ना, कंसेंसस बनना चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर कौन कौन है भाई, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट हो गया, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, रिलीजियस लीडर्स भी होते हैं, सब स्टेक होल्डर, सबको ना कंसेंसस, सहमति पे आना पड़ेगा। एजुकेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को कि क्या ट्रू नेचर है
और क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वी हैव टू गो ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच रादर देन गोइंग फॉर द ओमनीबस अप्रोच। ओमनी जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ऑल या फिर एवरीवेयर। अब उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बोला कि सेपरेट एस्पेक्ट्स लेके आओ, जैसे कि मैरिज के लिए सेपरेट लेके आओ। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले जो जो एज ऑफ मैरिज थी ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया था ना, तो उस तरीके से काम करो, ठीक है, इन अ पीस मील मैनर, एक एक टुकड़े को हैंडल करते हुए चलो धीरे धीरे। फिर अडॉप्शन वाली चीज़ को ठीक करो, ठीक है, फिर सक्सेशन वाली चीज़ को ठीक करो, ठीक है, इस तरीके से काम करो। एक ही बारे में सब कुछ कर दोगे ना तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा 2019 में क्या किया गया था ना इंडिया के अंदर, ना बहुत सारा रक्कस क्रिएट हो गया था। एक बार तो आर्टिकल 370 का जजमेंट आता है, ठीक है, फिर आता है राम मंदिर का जजमेंट, फिर आता है CAA का जजमेंट, ठीक है, 2020 के स्टार्टिंग में ही हमारा आ जाता है कोविड। यू सी व्हाट ऑल हैपेंड। CAA का हुआ था, फिर एक जामिया वाला इंसिडेंट हो गया था, ठीक है, और दिल्ली के अंदर कुछ राइट्स वगैरह भी हुए थे। दिल्ली में राइट्स हुए थे ना, कहाँ हुए थे, कहीं तो हुए थे इंडिया के, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, पर कुछ तो हुआ था, दुकानों को बहुत आग वगैरह लगा दी गई थी। यू सी सडनली एक साथ गवर्नमेंट ने बहुत मेजर रिफॉर्म्स लिए थे, और 2019 में जनरल इलेक्शंस भी हुए थे, न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वी कैनॉट गो विद एवरीथिंग सच ए बिग थिंग्स इन वन गो, हमें चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल्स हैं पीसफुली मैनर के अंदर। लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा था कि वी हैव टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑन द पर्सनल लॉज। हमारे जो पर्सनल राइट ना मैडम, डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। देखो वो तभी हो पाएगा जब हम इस ओमनीबस अप्रोच की जगह हम लोग पीसफुल मैनर में काम करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, समझो, सारे कायदे कानून के बनाओ, फिर अगले नेक्स्ट पे जंप करो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज है ना, पहले तो है ना उनमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले उनमें अमेंडमेंट्स करना स्टार्ट करो, पहले गारंटी करो इक्वालिटी मिलेगी विद इन द कम्युनिटी रादर देन विद इन इक्वालिटी बिटवीन द कम्युनिटी। कहना कहीं जा रहा है एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुज़म ही है, इंडिया के अंदर मेजॉरिटी तो हिंदुज़म की है। उन्होंने कहा हिंदुज़म के अंदर जो मैन एंड वीमेन है ना, पहले इनकी इक्वालिटी पर काम करो, फिर आप काम करना हिंदुज़म में, मुस्लिम में, सिख में, जैन में, उनमें बाद में करना, पहले विद इन हिंदुज़म काम करो। और कोई मुस्लिम का तो उसमें विद इन मुस्लिम काम करो, जैन का तो विद इन जैनिज़म काम करो। कितना अच्छा मतलब सजेशन है ना, कि अगर आप इनको हैंडल कर लोगे ना तो वैसे ही बहुत सारा मैटर हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक और पॉइंट है वो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, उसमें ये था, ये स्टेटमेंट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की थी, हम लोगों ने जब पहले टॉपिक कवर किया था ना तब था, तो उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक कंसेंसस बनाओ। हालांकि यहाँ पर बना दिया गया, बोल दिया गया कि बिल्ड ए कंसेंस, उन्होंने कहा था कि पब्लिक की साइड से ही आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, प्राइवेट मेंबर का एक बिल आया था, अब जाहिर सी बात है प्राइवेट मेंबर भी तो रिप्रेजेंटेटिव है सिटीजन्स का, लेकिन उन्होंने कहा था पब्लिक की तरफ से डिमांड उठनी चाहिए, पटिशन्स आने चाहिए पब्लिक की तरफ से, बैक टू बैक सोशल मीडिया कैंपेन होना चाहिए, पब्लिक शुड एक्सेप्ट इट, सड़क के ऊपर मतलब लोगों को, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट दिस, स्कूल्स में बताना चाहिए लोगों को। अगर पब्लिक अपनी साइड से लेके आती है ना इस तरह की चीज़ों को, तो उनको इंप्लीमेंट करना इजी होगा, फिर शोर शराबा नहीं होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट गवर्नमेंट इम्पोज करेगी ना, तो ये थोड़ा रिलीजियस मैटर है, ठीक है, फेथ का मैटर है, इसलिए गवर्नमेंट इसको हार्डकोर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी का फेथ अगर हर्ट होता है ना तो कंट्री में बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए। बाकी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, फेवर में भी हैं, अगेंस्ट में भी हैं, आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, और भी आपको फेवर में मिल जाएगा, और भी अगेंस्ट में मिल जाएगा। सो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल रह के चलना है, न्यूट्रल से मतलब है आपको दोनों साइडों को कंसिडर करना है, आप एक साइड को सही भी नहीं बता सकते और एक साइड को पूरा पूरा गलत भी नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटीज़ दोनों है। तो बेसिकली इट्स अ ग्रे एरिया, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है यहाँ पर। ओके जी, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी चला गया, बट वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर देयर। इंडियन पॉलिटी का न्यूज़ इन शॉर्ट वाला सेक्शन कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है राइट टू वोट फॉर दी अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स मतलब जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया और उनका अभी मुकदमा चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो एग्जामिन करेंगे जिस तरीके से जो अंडर ट्रायल्स होते हैं इनको राइट टू वोट नहीं मिलता, वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमारा जो RPA 1951 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके तहत उनको डिप्राइव किया जाता है प्रिजनर्स को ऑफ द राइट टू वोट। अभी जो रेस्ट्रिक्शन है ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने लोग इससे बाहर निकल जाते हैं, तो NCRB का डेटा कहता है तकरीबन 5.5 लाख के आसपास लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, उन सबसे राइट टू वोट छीन लिया था। 5.5 लाख लोग इस दौरान अपना वोट नहीं कर सकते। तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कहते हैं कि हाँ सपोर्ट करते हैं कि प्रिजनर्स का राइट टू वोट को। उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है ना रिजर्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 62 का जो सेक्शन है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये एक ब्रॉड लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी कि ये ना
जो राइट टू वोट है किसको डिनाई कर रहा है, इवन उन लोगों को जो सिविल प्रिजन में भी हैं। अब ठीक है, मान लो किसी ने किसी के साथ थोड़ा शोर शराबा कर दिया, एक तो सिविल मैटर होते हैं, क्रिमिनल मैटर होते हैं, और किसी ने मर्डर कर दिया वो क्रिमिनल मैटर में आएगा। ठीक है, अब दो पड़ोसियों की लड़ाई होगी, एक पड़ोसी ने ज़्यादा चीखने चिल्ला दिया, पुलिस ने उसको कुछ टाइम के लिए जेल के अंदर रख दिया, वो सिविल मैटर में आ गया। ठीक है, उनका इस तरह के सिविल मैटर वाले जो होते हैं ना, उनको भी ये वोट का राइट जो होता है डिनाई कर दिया जाता है। फिर एक कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड मतलब जिसको दोषी करार दिया जाता है, अलाउड टू वोट इफ़ ऑन बेल, अगर उसको जमानत मिली हुई है ना तो उसको वोट करना अलाउड होता है, जबकि वाइल डिनाइंग द राइट टू इवन अंडर ट्रायल्स। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा है लेकिन वो अभी जेल में है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जुडिशियल कस्टडी वगैरह में, अभी कोर्ट ने उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन वो अगर जेल के अंदर है तो उसको वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है, दोषी करार दिया गया, बट अगर वो जमानत के लिए बाहर है तो उसको वोटिंग का राइट मिल जाता है। ऑलराइट, और हमें ध्यान ही रखना होगा, राइट टू वोट जो होता है ना, हमारे डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उन्होंने कुछ ने कहा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा 1997 का एक केस हुआ था अंकुल चंद्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 62 का जो क्लॉज 5 है ना, ये ठीक है। क्यों ठीक है? उन्होंने कहा था कि राइट टू वोट जो होता है ना, ये हमारे आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आता है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू वोट आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आता है। राइट टू वोट जो होता है ना, सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस। इसके ऊपर लिमिटेशन कौन लगाएगा? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट लिमिटेशन लगा सकता है, तो पार्लियामेंट ने अगर ये लिमिटेशन लगाई है इट इज़ टोटली फाइन। क्यों? क्योंकि इसमें इसके कारण क्या होता है ना, पॉलिटिक्स के अंदर ना क्रिमिनलाइजेशन का जो मैटर होता है ना उसको हम हैंडल कर पाते हैं। अगर आपने अलाउ कर दिया, आप सोच के देखो, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप अलाउ कर दो राइट टू वोट, ये 5.5 लाख लोग हैं, मान लो 4 लाख लोग ही हैं, 1.5 लाख को अभी बाहर कर दो कुछ कारण से, अब कितना सारा रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जेलों के अंदर जा जा करके। ठीक है, स्पेशल टीम्स जाएंगी, ठीक है, कौन व्यक्ति वहाँ पर किस तरीके से गलत इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी के कितने सारे अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे, कितना बड़ा खर्चा आ जाएगा, कितना बड़ा हेडेक होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए और नई सिरदर्दी, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नई सिरदर्दी, पॉलिटिशियंस के लिए नई सिरदर्दी हो जाएगी, एवरी वन विल हैव टू क्रिएट समथिंग वेरी वेरी न्यू। तो उन्होंने ये कहा था कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और फिर पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और इंक्रीज़ होगा। ये तो लोगों को बोला जाता है कि भाई अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा होगा और तुम अगर अंडर ट्रायल जेल में हो तो तुम पॉलिटिक्स में वोट तक नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने अलाउ कर दिया तो उस व्यक्ति को डर ही नहीं होगा, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल में चला जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, मैं वहाँ से भी वोट तो करता ही रहूँगा। तो ये वाले स्टेटमेंट्स इसके अगेंस्ट में हैं। तो आपको दोनों साइड के स्टेटमेंट्स को देखना है, समझने की कोशिश करनी है, इंपॉर्टेंट ये था याद रखना प्रीलिम्स के लिए, राइट टू वोट इज़ नॉट कन्फर्ड एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव दिस टॉपिक 1.3.2 इनिशिएटिव्स आए थे कुछ ई कोर्ट के प्रोजेक्ट को लेकर के। ई कोर्ट, ई मतलब इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन। जब कोई ई कोर्ट का मतलब क्या होता है, एक तो अकाउंटेबल होता है क्योंकि डेटा बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, कोर्ट को केसेस को मैनेज करना बड़ा ईजी हो जाता है, तो जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज है ना जो कि अराउंड 5 करोड़ के आसपास है उनको कम करने में मदद मिलेगी, जस्टिस का जो डिलीवरी सिस्टम है थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसको लेकर के ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। अब इसमें ना आपको बस याद रखना है, ये मेंस के आंसर राइटिंग बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स में शायद ये चीज़ नहीं आएगी, बट मेंस में पक्का पक्का आपको आएगी। जुडिशरी का कोई भी टॉपिक आएगा ना, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे एक वर्चुअल जस्टिस क्लॉक लगाई गई है, उसमें ना जो नंबर ऑफ केसेस वगैरह होते हैं, डिस्पोज कितने की है पेंडेंसी के, उनका डेटा होता है। एक जस्ट इस मोबाइल ऐप है, उसमें भी किस तरीके से केसेस का मैनेजमेंट किया जा रहा है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए होता है। एक डिजिटल कोर्ट है, इसके अंदर जो भी पेपर कोर्ट का काम होता है ना पेपर वाले, उस सारे के सारे पेपर के काम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। देन S3 WAWS की वेबसाइट है, इनका काम यही होता है कि जो भी सर्विसेज होती है ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, उन सबको वेबसाइट पर मैनेज करना। 2007 में आया था ई कोर्ट का मिशन मोड प्रोजेक्ट आया था ना, इनका काम ही यही था, जो डिस्ट्रिक्ट और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करना। ऑलराइट, तो इसका पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक ई कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्न करते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च हुए थे, आपको समझना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो लखनऊ और नोएडा ने पहले ना पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ठीक है, उसके बाद कानपुर ने, वाराणसी। अभी क्या हो रहा है, यूपी की गवर्नमेंट बोल रही है कि आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज में भी हम लोग पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम जो है ना इसको लॉन्च करेंगे। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इस एरिया में ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और क्या होता है ना ये कि कुछ कमिटीज़ इन्होंने ये बोला था कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ना अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है ना तो कोशिश करो कि वहाँ पर ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लगाया जाए। अब एज़ पर द CRPC जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है ना,
उसके अकॉर्डिंगली ये था कि 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन हो तो ऐसा करो। हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूअल कमांड सिस्टम क्या होता है और हमारा पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या होता है। ड्यूअल कमांड सिस्टम के अंदर ना हमारा DM होता है और हमारा जो SP होता है, ये दोनों ना अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। बट पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंदर जो होते हैं ना DIG रैंक के पर्सन होते हैं, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, उनके पास होती है मोस्टली पावर, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 144 वगैरह लगा देना, प्रिवेंटिव अरेस्ट वगैरह कर देना। और जो ड्यूअल कमांड होता है ना, उसमें DM के पास होता है कि वो अरेस्ट वारंट देगा, फिर जो SP होता है ना, उनका काम होता है सारे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और अरेस्ट वगैरह करना। तो बस इतना ही जानना काफ़ी है, उसके ऊपर जाकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ ये है कि अगर आप UP में कल को IPS बनना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो होगा आप उससे रूबरू हो जाओगे, आपको पता चलेगा क्या कुछ होता है। और चीज़ें अच्छी हैं, गवर्नेंस के अंदर इस तरह के बदलाव आते रहने चाहिए ताकि चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाए। जितना गवर्नेंस को हम लोग एफिशिएंट कर पाएंगे, सिटीजन्स का वेलफेयर उतना बेहतर हो पाएगा। आधार के कुछ रूल्स वगैरह को रिसेंटली अपडेट किया गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि देखो भाई साहब, हमारा आधार का जो डेटा होता है ना, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। कैसे करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आपका जो डेटा होता है, अब आपको कोई एड्रेस है तो आपके पास एक तो आधार होता है, बट आधार के अंदर जो एड्रेस अगर आपका बदल गया है, तो उस जो चेंज एड्रेस है उसका प्रूफ लेकर के आइए। तो इट मे बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बाय द आधार होल्डर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। बस इतना सही है। ये एग्ज़ाम में तो आपसे पूछेंगे नहीं शायद, क्योंकि अपडेशन वाली चीज़ है, आप करवा ही लेते हो अपडेट। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, मीन्स के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की रैंकिंग ना आउट ऑफ 140 कंट्रीज 77 आई है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 का वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इन्होंने रिलीज़ किया था। तो इसमें क्या होता है ना, अब रूल ऑफ लॉ आप लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स से पढ़ते हो, स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ठीक है। गवर्नमेंट एज वेल एज जो प्राइवेट एक्टर्स होते हैं ना, वो कानून के अंदर कितने अकाउंटेबल है, कितना अच्छा आपका कानून है कि आपकी गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है और आपके कंट्री के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अकाउंटेबल है। जस्ट लॉ विच इज़ क्लियर, पब्लिसाइज, स्टेबल है, इवनली अप्लाई किया जा रहा है और सारे अधिकारों को भी इंश्योर कर रहा है, ये भी फैक्टर काउंट किया जाता है। ओपन गवर्नमेंट, क्या आपकी सरकार एक्सेसिबल है, क्या हर सिटीजन गवर्नमेंट तक अप्रोच कर सकता है, क्या वो फेयर है, जस्टिस पे काम कर रही है एंड एफिशिएंट है क्या। फिर एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस, क्या टाइमली आपको न्याय मिलता है, है ना, क्या आपको एथिकल तरीके से नैतिकता के साथ आपको न्याय दिया जाता है, है ना, न्यूट्रल पार्टीज उसके अंदर होती है नहीं होती है, है ना। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, इन सबको मिला करके रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग आई 77 आउट ऑफ 140, नंबर 1 पे है डेनमार्क। तो इंडिया के लिए पिछले 5 साल से ये डिक्लाइन ही करता जा रहा है। इस पी मे बी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। मेंस में ना कुछ क्वेश्चन बड़े सरप्राइजिंग से आते हैं, जैसे बीच में हुआ था 2019-20 के आसपास हुआ था कि इस तरह की रिपोर्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बना दिए गए थे। जैसे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पर आया था और एक आया था किसी एनवायरनमेंट की कोई रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो बीच बीच में कुछ बाउंसी क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो ASEAN को लेकर है। अभी रिसेंटली 19th इंडिया और ASEAN का समिट हुआ था, जो कि कंबोडिया में हुआ था। 17th जो समिट हुई थी ना, उसको मैंने माइंड मैप में कवर भी किया था एंड वहाँ पर हम लोगों ने ASEAN के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बेसिक्स और इस तरह के समिट्स में क्या कुछ होते हैं वो कवर किया था। पहले तो ASEAN के बारे में ही जान लेते हैं, है ना। ASEAN क्या है? एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। शुरुआत इसकी 1967 में हुई थी। बेसिकली काम क्या होता है ना, इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना और कल्चरल लेवल पर डेवलपमेंट करना। तो कहते हैं कि ASEAN अगर अपने आप पे सिंगल कंट्री होता ना, तो ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता वर्ल्ड की। अब ASEAN कंट्रीज कौन से, ये आपको ऑन फिंगर टिप्स याद होने चाहिए। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, दिस सिंगापुर रीजन, मलेशिया रीजन और ये इंडोनेशिया रीजन, यहाँ पर है आपका मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम लोग इस समिट के बारे में जानते हैं। एक एक जो वर्ड से समिट होता है ना, समिट वर्ड का एक मतलब होता है टॉप, पीक। तो समिट के अंदर ना जनरली हमारे जो सीनियर लीडर्स होते हैं ना, वही रिप्रेजेंट करते हैं। 2022 का जो ASEAN इंडिया समिट हो रहा है ना, इसके दौरान इंडिया के और ASEAN का जो डायलॉग हुआ था उसको 30 साल भी हो चुके हैं। अब हुआ क्या है ना, हमारी जो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी ना, हमने उसको चेंज कर दिया है, उसको अपडेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि अब हम लोग एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज के जो मैटर्स होंगे ना, इनको भी हम डिस्कस कर पाएंगे ASEAN के साथ। प्लस में एक
ईसियान का इंडिया का साइंस एंड टेक फंड है जो कि 2008 में बनाया गया था। तो रिसेंटली इंडिया ने बोला कि हम लोग एडिशनल, पहले जो पैसा देते हैं उसके अलावा एडिशनल $5 मिलियन का फंड इसमें हम लोग डिपॉजिट करेंगे। फिर एक गुड्स एग्रीमेंट भी है एशियान इंडिया का ट्रेड वाला, उसको भी रिव्यू किया जाएगा थोड़ा तेज़ी के साथ एक्सपराइट मैनर में, ताकि जो भी ट्रेड की फैसिलिटीज़ है ना उनको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। अब दोनों के रिलेशंस को ज़रा समझ लेते हैं। एशियान जो है ना वो एशियान की जो सेंट्रलिटी है ना वो इंडिया की फॉरन पॉलिसी में फॉल करती। क्यों? पहले तो हमको अपना ये सागर इनिशिएटिव है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो एशियान जो है वो इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी के भी सेंटर में आएगा, इंडो पैसिफिक रीजन के भी में आएगा और सागर के में भी आएगा, क्योंकि एशिया का जो, इंडिया का जो पूरा का पूरा ये मैटर है ना इसमें एशियान की कंट्रीज ही इन्वॉल्व हैं। और एशियान के जो ग्रुप्स हैं, अब इसमें से अगर आप देखोगे ना, मुझे एक बार स्क्रीन क्लियर करने दो, अरे नहीं हुआ, जस्ट सेकेंड, ओके अब आप ये एशियान वाला मैप देख रहे हो ना, इसमें से अगर आप देखते हो इंडोनेशिया हो गया यहाँ पर हमारे पास, एंड देन वेर इज़ मलेशिया, ये रहा हमारा मलेशिया, और ये रहा हमारा सिंगापुर, एंड वेर इज़ वियतनाम, ये रहा हमारा वियतनाम। जो चार कंट्रीज़ है ना इनके साथ इंडिया के ना बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी हैं। बायलेटरल, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब तरफ, साइड, दो तरफा एग्रीमेंट्स भी हैं, यानी कि इंडिया और वियतनाम का है, इंडिया और मलेशिया का भी है, इंडिया सिंगापुर का भी है, अलग अलग से एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए एशियान की कंट्रीज वैसे ही बड़ी पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि कितनी चार मेजर इकोनॉमीज़ जो हैं सिंगापुर वियतनाम अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, इनके साथ हमारे वैसे ही एग्रीमेंट हो तो एशियान तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में फॉल कर ही जाता है। फिर कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है, कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट है, ये एग्जाम में आया था कुछ 2-3 साल पहले प्रीलिम्स में, ये सब कनेक्टिविटी हमारे लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट को फर्दर जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स है ना उसकी डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। 2013 में इंडिया थर्ड डायलॉग पार्टनर बन गया था एशियान का। मैरीटाइम एग्रीमेंट की बात करते हैं हम लोग, एंड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है, साउथ और ईस्ट चाइना सी का जो मैटर्स हैं उन सबको एड्रेस करना, ये सब चीज़ें हैंडल की जाती हैं। प्लस में जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स थे, अब नॉन ट्रेडिशनल मतलब एक तो के ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ठीक है, एक हो गया नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने पहले चलते आ रहे थे बार बार, अब नई नई चीज़ें भी निकल के आती हैं, पायरेसी हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये भी मैटर्स हैं, इनको भी हैंडल करना पड़ेगा हमें। फिर कुछ चौक पॉइंट्स हैं, जैसे जो मलक्का स्टेट हो गया, अगर आप देखोगे जो मलक्का स्टेट यहाँ पर है ना मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया के पॉइंट में, अगर आप देखोगे इंडियन ओशन रीजन के अंदर 90% जो इंडिया का ट्रेड होता है ना, एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो इस रीजन के आसपास से निकलते हैं। तो ये चौक पॉइंट है, अगर इसको चौक कर दिया तो कहाँ से निकल के आएंगे शिप्स पूरे के पूरे, देखो घूम फिर करके यहाँ से निकल के आएंगे, उनका रूट कितना लॉन्ग हो जाएगा। तो इस मैटर को भी ध्यान में रखते हुए एशियान और इंडिया का जो पार्टनरशिप है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक एशियान का ना प्लान ऑफ एक्शन है टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम 2016 से 2025 तक के लिए, तो इंडिया ने और एशिया ने इसमें पार्टनरशिप की हुई है। ये एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर बनाते हैं ताकि इस रीजन में बहुत पीसफुल तरीके से डेवलपमेंट होती रहे। इकॉनमी की बात करते हैं तो ये आप याद रख लेना, ये जो ग्रीन कलर में ना, फॉर इंस्टांस 2025 तक जो फार्मास्यूटिकल का मार्केट है ना एशियन कंट्रीज़ के अंदर, ये ऑलमोस्ट $34 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही लुक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसलिए इंडिया जो है ना वो एशियान का वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी है। सप्लाई चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन का मतलब क्या, सप्लाई है डिमांड होगी, और डिमांड कहाँ से होगी, एक रूट के थ्रू होती है, उसको हम चेन बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया जो है ये अपने आप में बहुत सप्लाई चेन्स पे काम कर रहे हैं। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला जो है यहाँ के थ्रू हमारा ट्रेड, हमारा जो व्यापार होगा ना वो बढ़ता चला जाएगा। कल्चरल की बात करते हैं तो हम सबको पता है, पहली बात तो इंडोनेशिया के जो नेशनल कैरियर है वो उसका नाम गरुड़ है, जो कि हमारे हिंदुज़म के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब रिलीजियस, या फिर रिलीजियस कहने से अच्छा कि सेक्रेड माना जाता है, ठीक है, बुद्धिस्ट में भी, जैन माइथोलॉजी में भी। फिर और हमारे संस्कृत और जो पाली लैंग्वेज है वहाँ पर उसके थ्रू बहुत सारे रीजनल स्क्रिप्ट जो हैं उस रीजन की वो इन्फ्लुएंस्ड है। हिंदुज़म और साउथ बुद्धिज़म जो है वो गया ही था साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के थ्रू, तो यहाँ से हमारा कल्चरल कनेक्ट भी बन जाता है। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वहाँ पर तो गणेश जी की तस्वीर भी है, तो कनेक्ट हमारा वैसे ही बहुत सुंदर है वहाँ पर। थोड़े से कुछ क्विक फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो 25th एनिवर्सरी वाला इंपॉर्टेंट है, एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था इंडिया एशियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, तो वो 2018 में हुआ था जब 25वीं एनिवर्सरी थी, और अभी 2022 का हो गया तो 30 साल हो चुके हैं।
टूरिज्म और पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर भी दोनों ने आपस में MOU साइन किया था। इकोनॉमिक चीज़ की बात करते हैं तो ASEAN इंडिया का ट्रेड हुआ था गुड्स एग्रीमेंट 2009 में। पॉलिटिकल दौर पर बात करते हैं तो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर भी था। ये कुछ क्विक चीज़ें हैं, हालांकि याद रखना मुश्किल है इनको, पर एक दो पॉइंट भी अगर याद रह जाए मेंस के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं ज़रा डाइवर्जेंस क्या है। तो चाइना का फुटप्रिंट, चाइना का मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट है इस रीजन के अंदर। चाइना अराउंड $880 बिलियन, ये पैसा बहुत ज़्यादा होता है। 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं, ठीक है जी। अब 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं, उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई कर लो। $1 मान लो 80 का चल रहा है ना, इसको पहले 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 × 100, 8,000 करोड़, ठीक है जी। अब उसमें 880 की बात और कर लो, × 880, ये बहुत ज़्यादा पैसा है भाई। इतना तो चाइना ट्रेड करता है सारे ASEAN कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। उसके अलावा साउथ चाइना सी के जो रीजन है ना, वहाँ पर ASEAN मेंबर्स जो है ना, वो चाइना का रोल को पुश नहीं कर पाए हैं। पॉइंट क्या है ना, ये एक 9-dash line है यहाँ पर, ये जो मैप है ना, यहाँ पर एक 9-dash line बोलते हैं। चाइना कहता है कि ये पूरा जो रीजन है ना, चाइना यहाँ पर है कहीं, इधर कहीं फॉल करता है चाइना, ये पूरा चाइना है ऊपर की साइड पे, इतना से ऊपर लास्ट से ऊपर। चाइना कहता है कि ये ओशियन का जो ये वाला रीजन है ना, ये हमारा है, साउथ चाइना सी वाला, इस रीजन को साउथ चाइना सी बोलते हैं। तो ये जो ASEAN कंट्रीज़ है ना, चाइना को पुश नहीं कर पा रही यहाँ से। फिर US यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है भाई, ताइवान हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, और कोरिया हो गया, फिलीपींस भी हो गया, ये सारे के सारे। ऑस्ट्रेलिया देख लोगा थोड़ा दूर, जहाँ लगे ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया में काउंट नहीं होगा, बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा आसपास का भी देखें तो US यहाँ डोमिनेट कर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है ताइवान को, जापान को, कोरिया को, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड US कर रहा है। इकोनॉमिक लेवल पर अगर बात करते हैं तो इंडिया का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है यहाँ पर ASEAN के साथ, क्योंकि सब तो डोमिनेट चाइना ने किया हुआ है चीप गुड्स प्रोवाइड करके, प्रोजेक्ट में डिले होता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हम लोग कहीं अगर मात खा रहे हैं ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, तो यहाँ पर हम प्रॉमिस कर देते हैं, वादा कर देते हैं, हम कर देंगे ये प्रोजेक्ट हमको दे दो, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम उसमें थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इंटरव्यू वगैरह में आपसे कोई पूछे कि यार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चाबहार पोर्ट वाला जो मैटर था ना, पूरा का पूरा वो इसी कारण से हमारा मतलब अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कि हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं किया। चाइना इस मामले में बड़ा फास्ट निकलता है, तो ये चीज़ हमको चाइना से सीखनी पड़ेगी। बेशक से हमारा वो राइवल रहे, लेकिन अगर उसके पास कुछ अच्छा है ना, तो हमें सीखना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ यू फ्रेम योर पॉलिसीज बेटर। फिर जो क्वैड था ना ASEAN, उसको ना लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है। क्वैड के ऊपर 2021 में आया था क्वेश्चन, या 20 में आया था, 20-21 में क्वेश्चन आया था मेंस में। तो ASEAN कंफर्टेबल नहीं है क्वैड को लेकर, क्योंकि क्वैड में फिर जापान तो ठीक है, चलो ओके फाइन, मेक सेंस, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, US आ रहा है और इंडिया आ रहा है। तो ASEAN कहता है कि हमारे रीजन के अंदर, हमारे रीजन को ना तुम लोगों ने चार साइड से घेर लिया है, अब ये पूरा का पूरा ASEAN हो गया है। अब इसमें जो क्वैड बनता है कैसे बनता है, यहाँ कहीं जापान है, ठीक है, यहाँ कहीं US है, ये रहा अपना ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा अपना यहाँ पर इंडिया। तो कह रहे यार तुम लोगों ने तो ना हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन को ना घेर लिया है क्वैड के थ्रू, एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। सो दिस इज़ अबाउट ASEAN वाली समिट के बारे में। तो हम कर क्या सकते हैं, हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव्स पे, कुछ इंटेंशंस पे, एक्शंस पे काम कर सकते हैं। हम लोगों ने चार कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ये था ना, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, इनके साथ हमारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स है ना, हम इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और भी कंट्रीज से अपने बायलेटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करें, खास करके जो क्वैड को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, ताकि दोनों ही आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में काम कर सकें MBM में। सप्लाई चेन्स हैं, उनको और बेहतर करना पड़ेगा। अब सप्लाई चेन्स के अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अभी चेन्स हैं ASEAN के, इंडिया के थोड़े सब्सटेंशियल नहीं है। यहाँ पर हम लोग लॉजिस्टिक सर्विस को और बेहतर कर सकते हैं, तो इंडिया इसको लेवरेज ले सकता है ना। ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर कर दिया जाएगा तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं नए और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाने के लिए। वर्क कोलैबोरेटिवली, इंडिया का जो आधार सिस्टम है ना, ये डिजिटल कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इस चीज़ से ASEAN कंट्रीज सीख सकती हैं कुछ, कि डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड किया जाए। जब इंडिया ने इतना अच्छा किया, इंडिया का जो UPI प्लेटफॉर्म है उसका मॉडल जो है वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, कि आप ऐसे काम करो। हमारा जो ये कोविन ऐप वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग ASEAN कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमें कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, खास करके CLMV कंट्रीज़ के साथ, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के साथ, क्योंकि यहाँ से हमारा लैंड कनेक्ट बन जाता है। अगर आप देखोगे कंबोडी, ये मैप ना मुझे बार बार क्लियर करना पड़ रहा है। सो CLMV
टी को ऐड नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि म्यांमार, ठीक है, दिस इज कम्बोडिया, दिस इज लाओस, दिस इज वियतनाम एंड दिस इज कम्बोडिया, इनके साथ हमको ना लैंड कनेक्टिविटी बहुत ईजिली प्रोवाइड कर दी जाती है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर चाइना के बाउंड्री से टच भी करते हैं। यहाँ पर हमको अपना सिग्निफिकेंस इम्प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ह्यूमन सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के रोहिंग्या सिचुएशन हो गई है ना, एक्सट्रीमिज्म हो गया, हम लोग गुडविल बिल्डअप कर सकते हैं, हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशन है ना उनको और बेहतर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड द पीपल दे ऑल कैन वर्क टुगेदर, एंड इवन हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं, तो सब एक गुडविल जेस्चर के साथ अगर काम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। रीजनल नेचुरल डिजास्टर्स में काम कर सकते हैं ना, और इस रीजन में तो आते भी रहते हैं, तो उनको आपस में मिलकर ह्यूमैनिटेरियन मैटर में असिस्ट कर पाना, सब थिंग्स कैन बी डन इन अ बेटर मैनर। दिस वॉज अबाउट एशियान। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। रिसेंटली रशिया ने रिज्यूम किया था पार्टिसिपेशन इन द ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये रहा मैप, ये रहा आपका ब्लैक सी, दिस इज टर्की, दिस इज बुल्गेरिया, दिस इज रोमानिया, दिस इज यूक्रेन। तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा, ये एक रूट है, मैप है, मतलब ग्रेन वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ब्लैक सी की जो ग्रेन डील थी ना, इसको यूएन ने और जो टर्की ने, इन दोनों ने ब्रोकर किया था। कब? इसी साल 2022 में ही, जुलाई में। किस किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में। इस डील में इन्होंने ये बात की थी कि जो फूड प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है ना, यानी कि खाने की कीमतों के जो दाम इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्लैक सी है ना, इसमें ब्लॉकेज लग गया है, ब्लैक सी के रूट में ब्लॉक लगा दिया गया था। क्यों? रशिया और चाइना का जो वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो सप्लाई चेन में कुछ डिसरप्शंस आ गए थे। तो उन्होंने यूएन ने बोला, देखो भाई ऐसा है, तुम्हारा लड़ाई होगी ना, अपनी लड़ाई करते रहना, एटलीस्ट ये फूड सिक्योरिटी वाले मैटर को हैंडल कर लो। तो यूएन ने और टर्की ने दोनों ने मिलकर के इस डील को करवाया था। डील का काम ये था, सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स के लिए, खास करके फूड ग्रेन्स, ठीक है जी। तो इसमें कुछ पोर्ट थे, चोर्नोमॉक्स, ओडेसा, है ना, यूजेन, ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं। क्यों? यूक्रेन ना वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, गेहूं का, मेज़, वो जो होता है ना कॉर्न, भुट्टा जो होता है, रेप सीड ये उसको बोलते हैं, सरसों को, सनफ्लावर सीड्स हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। अब इनके पास ना डीप सी पोर्ट्स हैं ब्लैक सी के अंदर, तो जो कि डायरेक्टली रशिया को अप्रोच किया जा सकता है। सेंट्रल आइडिया ये था कि सप्लाई ऑफ ग्रेन्स चलते रहे, अनाज जो है ना उसकी सप्लाई चलते रहे, उसके सप्लाई में कोई ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए। फिर इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट भी मिला था, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आया था। एंड जो आइडियल जो डील थी ना, उसमें बात की थी 120 डेज की, यानी कि 4 मंथ्स की बात की गई थी। अभी रिसेंटली इसको अनदर 120 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले बात की गई थी इसको नवंबर में बंद कर देंगे, बट अभी रिसेंटली इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था, ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, मैं इसको ग्रीन कलर में कर ही देता हूँ हाईलाइट, ताकि जब आपको PDF मिले ना तो आपको ग्रीन कलर में आइडिया रहे। उन्होंने कहा था कि फूड सिक्योरिटी गोज बियॉन्ड डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यूज हैं वो यही सब हैं, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। बट दिस डील सेज कि देखो भाई साहब, तुम्हारी लड़ाई अपने घर देखो, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मैटर है, उसमें सिर्फ तुम 2 कंट्रीज ही इनरोल्ड नहीं हो, तुम्हारे यहाँ से अनाज दूसरे देशों में भी जाता है, वो तुमको पैसा भी देते हैं और तुमको पैसा चाहिए भी, तो फूड वाला मैटर चलते रहने दो, बाकी तुम अपने जो करना है, तुम्हें सिरदर्दी करनी है तुम करते रहो, लेकिन प्लीज़ फूड चेन को ब्लॉक मत करो। अब ये तो हम लोगों ने न्यूज़ को समझ लिया कि ये चीज़ थी, ग्रेन जो ब्लैक सी की ग्रेन डील थी वो क्या थी। अब हम ज़रा ये समझते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके GS2 में भी आ सकता है, लेकिन GS3 में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। 2021 में एक मेंस में क्वेश्चन आया था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के, और ये 2013 में भी क्वेश्चन ही आ चुका है पहले, 2 बार ही नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक था ना रिपीट किया गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमारे डोमेस्टिक मैटर को लेकर के था। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, ये हम लोग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के मैटर का तो कुछ ना कुछ तो आपको फोर्डर पॉइंट्स मिल ही जाएंगे अपने डोमेस्टिक वाले के लिए ना, और डोमेस्टिक में 2 टॉपिक रिपीट हो ही सकता है कभी भी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में FAO बोलते हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था, डेफिनेशन को कीवर्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स दे हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशियंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस। सफिशियंट भी होना चाहिए,
सेफ भी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए आपके पास, और आपकी सारी डाइटरी नीड्स और फूड प्रेफरेंसेस को मीट करे ताकि आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सको। अगर ये सब होता है देन यू से कि हाँ फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, नवे 17 गोल्स, 2030 में इनका टारगेट पूरा होगा। उसमें से सेकेंड गोल जो है ना, उसका काम यही है कि वर्ल्ड को फ्री ऑफ हंगर करना है। 2030 तक पूरी दुनिया से भूखमरी मिटा देनी है। तो हुआ क्या है ना कि 2014 में 2014 में हमारे पास जितने भी ये अंडर नरिश्ड लोग थे, है ना, कुपोषित जो लोग थे, उससे लेकर के 2019 तक 5 साल में 690 मिलियन हो गए हैं। और अगर हम लोगों ने ये परिस्थितियों को नहीं संभाला ना, 2030 तक ये जो नंबर है ना, ये इंक्रीज़ होकर के 840 मिलियन चला जाएगा। अब देखो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। अब आप आगे कैलकुलेट कर लो उसको, 10 लाख को 840 से मल्टीप्लाई कर लो और अंदाज़ा लगा लो कि कितने करोड़ों के अंदर लोग होंगे जो आज भी भुखमरी नहीं है, ये अंडर नरिश्ड है, यानी कि इनको जो खाना मिल रहा है ना उस खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मैटर में काम करती रहती हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये यूएन की एजेंसी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी यूएन की एजेंसी है। वर्ल्ड बैंक आप सब जानते ही होंगे। IFAD आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ये भी यूएन की ही एजेंसी है। इनका काम ही होता है रूरल पॉवर्टी पे काम करना, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का पता ही होगा, वर्ल्ड बैंक का काम जनरली लोन वगैरह देना आप लोगों को इन चीज़ों के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल हंगर और बाकी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, खासकर वो लोग जो कन्फ्लिक्ट डिजास्टर से इम्पैक्ट हो जाते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि ग्लोबल लेवल की फूड सप्लाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरह के इनिशिएटिव्स ग्लोबली लिए गए हैं। अभी तक 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी खाना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा परचेज किया जाएगा ना, उसमें कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। फिर एक ग्लोबल अलायंस बनाया गया था मई 2022 में G7 की जो प्रेसिडेंसी थी उसके दौरान पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, कि कोई भी ग्लोबल हंगर क्राइसिस होगा ना रशिया एंड यूक्रेन वॉर के दौरान, उसको हैंडल करने के लिए ग्लोबल अलायंस बनाया था। देन हमारे पास ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी है, ये एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है, इसको UN का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। फिर हमारे पास एक ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी है, ये G20 के द्वारा लॉन्च किया गया था जब 2007 और 2008 में फूड क्राइसिस आए थे ना, उस टाइम पर, खास करके जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं, LICs बोलते हैं इनको शॉर्ट में, उनके लिए। तो इतने सारे स्टेप्स तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, अभी नाम आपको याद होने चाहिए फूड सिक्योरिटी के मामले में। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जो जियोपॉलिटिक का मैटर चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इसके कारण किस तरह के इंपैक्ट आ जाते हैं फूड सिक्योरिटी पर, हमें प्रॉब्लम समझ में आएगी, तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना सॉल्यूशन पे कैसे काम करना है। फिर रिसेंट टाइम्स में सब चीज़ें जब देखने को मिली हैं तो हुआ क्या है ना, कंपल्शन टू ट्रेड, देर आर सर्टेन स्ट्रेटेजिक नोड्स और चौक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में मलक्का स्टेट के बारे में बात की थी ना, अब मलक्का स्टेट अपने आप में एक चौक पॉइंट है। वो चौक पॉइंट अगर बंद कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना या फिर इंडिया या फिर वहाँ पर इंडोनेशिया और सिंगापुर हैं, मलेशिया हैं, वो कहते हैं हम तो भाई चौक पॉइंट को बंद कर रहे हैं, तो सोचो कितना सारा ट्रेड जो होगा ना, वो सारा का सारा उस रूट से जा रहा था, उसको डाइवर्ट होना पड़ेगा, और उसका डाइवर्टिंग रूट के ऊपर भी कोई ब्लॉकेज लगा दिया जाए तो कितना सारा सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, एंड ट्रेड वॉर वगैरह भी चल रहा होता है। 2007 और 2008 में क्या हुआ था ना, कि जो भी डोमेस्टिक मार्केट थे ना, उनको इंटरनेशनल वोलेटिलिटी से इंसुलेट करने की कोशिश की गई थी। उसमें भी प्रोटेक्शनिज्म चला था कि वो कंट्री जिनके पास वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज ज़्यादा थे ना, उन्होंने कहा कि हम तो अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ये प्रॉब्लम बन जाती है फूड सिक्योरिटी को, ये थ्रेट होता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हो, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान हो गया, सीरिया, यमन हो गया, यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन ना भुखमरी के कारण मर जाती है, क्योंकि टैक्टिक वॉर चलते रहते हैं यहाँ पर, तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेस हो ही नहीं पाता। पीस बिल्डिंग्स होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बार तो जो UN के पीस कीपर्स होते हैं उन पर अटैक हो रहा होता है, अरे वो तो खाना पहुँचाने गए थे गरीब लोगों को, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। एक की टर्म है यहाँ पर ग्रीन ग्रैबिंग, इस तरह की टर्म्स ना एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें एक टर्म आया था ग्रीन वॉशिंग करके, ऐसे कीवर्ड्स आते हैं। 2021 में एक की टर्म आया था, आई थिंक ब्लू कार्बन आया था या फिर कुछ आया तो था, समथिंग ब्लू या ब्लैक कार्बन करके आया था एक क्वेश्चन। तो ग्रीन ग्रैबिंग के अंदर एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी, जो कि बायोफ्यूल्स के कारण होती है, उनका ट्रेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है।
रिसोर्स ग्रैबिंग भी एक होती है। चाइना लार्जेस्ट सप्लायर है फॉस्फोरस का, लेकिन उनके पास सिर्फ 5% रिजर्व है। उसके बावजूद भी इंडिया जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो भी डिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कल को चाइना के साथ कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई तो चाइना तो हमको ही देना ही बंद कर देगा, फिर हम क्या करेंगे। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारा ग्राउंड है, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो इतनी रेजिलिएंट नहीं है इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के एज ऑफ नाउ। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, खास करके जो लो लेटिट्यूड्स वाली कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी के मैटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले से वहाँ पर एक इनइक्वालिटी है, यहाँ पर ऑलरेडी एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो और राइज कर जाएगी। कैसे हैंडल करेंगे, सारे थ्रेट्स हैं फूड सिक्योरिटी के, अलग अलग फैक्टर्स हैं उसके। ट्रेड का फैक्टर है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर है ना, कॉम्पिटिशन का फैक्टर है, देन क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। तुम्हारा वे अहेड क्या हो सकता है? हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देख ली, हम लोगों ने रशिया वाला यूक्रेन वाला इशू देख लिया, हम लोगों ने ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी देख लिए। एक तो फूड का जो फोरम है ना, इसको जियोपॉलिटिक्स से इंसुलेट कर दो। ये वाला स्टेटमेंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि फूड सिक्योरिटी शुड गो बियॉन्ड डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हो सकता है इसके ऊपर कोई समझदार एग्जामिनर होगा ना, इस पर एक पूरा कपड़ा ऐसे बना सकता है इस लाइन के ऊपर, और आपको ऐसे का कंटेंट मिल जाएगा इस टॉपिक से, फोटो पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे। फिर हमें जो नॉन स्टेट और जो मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है, उनको एनरोल करना पड़ेगा। हमारे पूरे का पूरा शासन का जो प्रक्रिया है ना, उसको डाइवर्सिफाई, उसमें विविधता लानी पड़ेगी। कुछ नए कॉलिशंस बनाने पड़ेंगे, नई पार्टनरशिप्स पे काम कर सकते हैं हम लोग। ओपन ट्रेड करना पड़ेगा, जैसे कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ना चीज़ें बहुत बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हैं, सरप्लस में है, वट वी कैन डू इज वी कैन डाइवर्ट देम ऐसी जगह पर जहाँ पर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम हो सकता है, तो ओपन ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको रिसाइकल करने के लिए कुछ सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। देर आर सो मेनी सरप्लस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर जो मिलेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। अब आप देखना, मतलब देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि अभी हम लोग ये नवंबर की मैगजीन कर रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा अवेयर रहना, दिसंबर वाली मैगजीन के अंदर ना मिलेट्स का टॉपिक आएगा पक्का। मतलब देर इज़ अ हाई चांस कहीं ना कहीं आएगा, तो या तो न्यूज़ इन शॉर्ट में आएगा या फिर पूरा डिटेल में बड़ा आएगा। आई थिंक पिछले मंथ आया ही था, अक्टूबर में आ चुका शायद ये, बट जो दूसरे वाला चैनल है जहाँ पर हम लोग डेली न्यूज़पेपर कवर करते हैं, वहाँ पर मैंने दो बार कवर कर दिया ऑलरेडी मिनट्स वाला, अभी एक बार नवंबर में एक बार दिसंबर में। तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि दिसंबर की मैगजीन में वो आएगा। तो उन तरह की चीज़ों पर काम कर सकते हैं, है ना, कुछ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को बना काम कर सकते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन। प्रोडक्टिविटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर इंक्रीज़ कर दी जाएगी तो उनके पास उनका एक शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी जो होती है ना, वो मजबूत हो जाएगी। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करना पड़ेगा, ऐसा एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई क्रॉप की वैराइटीज़ ला सकते हैं, है ना। वाटर मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब प्रचार करना, सॉरी प्रसार, सूचना का प्रसार करना, लोगों तक एक खबर कैसे पहुँचाई जाए कि सही क्या है, सही गलत क्या है, बेहतर टेक्निक्स क्या हैं, अच्छी क्रॉप्स क्या हैं, इनोवेशन कैसे कर सकते हो, दीज थिंग्स कैन बी डन। दिस वॉज अबाउट फूड सिक्योरिटी। रशिया और यूक्रेन ने पूरे वर्ल्ड को याद दिला दिया है कि द फूड सिक्योरिटी गोज़ बियॉन्ड डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। ऐसे बनते हैं एडिटर वो ऐसे के टॉपिक्स जो आते हैं आपको एग्जाम में, है ना, इसी तरीके से। तो एक अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिस करने के लिए खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, इस आर्टिकल को पढ़ो और फिर एक ऐसे लिखने की कोशिश करो। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, इंडियन डायस्पोरा इन यूके। यूके स्पेसिफिक टॉपिक है। 2022 में 130th एनिवर्सरी है हमारे जो दादा भाई नरोजी जी थे उनको लेकर के, वो उनका जो यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, वहाँ पर ही पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जिनका इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर ही गॉट इलेक्टेड। सो इस टॉपिक में हम लोग इंडियन डायस्पोरा के बारे में जानेंगे, कि दादा भाई नरोजी जी के बारे में भी कुछ जानेंगे, कुछ बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी गई है पहले भी, और इंडिया डायस्पोरा का यूके में क्या स्टेटस है, डायस्पोरा का ओवरऑल इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं हमारे डायस्पोरा को, डायस्पोरा होता क्या है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, एंड गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले दो माइंड मैप्स भी प्रोवाइड किए थे, अगर आप चाहो तो कॉन्टेंट को वहाँ से भी कवर कर सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड जो GS2 का मेंस का सिलेबस है ना, उसमें आता है ये टॉपिक इंडियन डायस्पोरा वाला, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो उस तरीके से भी ये माइंड मैप्स में डेटा कवर्ड है, चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है इन चीज़ों का। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसमें दादा भाई नरोजी जी के बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा। तो पहले भारतीय थे जिनका ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था
वहाँ इनका इलेक्शन हुआ था। इनकी बड़ी खूबसूरत किताब थी जो थी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन थ्योरी के ऊपर। एक्चुअल में उस टाइम में अंग्रेज किस तरीके से भारत से सारा जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे वो लेकर के जा रहे थे, है ना, फिनिश यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते में, फिर फिनिश गुड्स बनाते थे ब्रिटेन में, फिर वहाँ से ला करके इंडिया में महंगा बेचते थे, और कैसे हमारी इकॉनमी को उन्होंने ड्रेन किया, खाली किया था। उस चीज़ को लेकर इन्होंने बड़ी सुंदर किताब लिखी थी और बहुत पॉपुलर भी है। एक जर्नल भी थी, इसका नाम था रस्त गोफ्तार, वो भी इन्होंने लिखी थी। एंड हमारे जो बाकी लीडर्स थे, गोखले जी थे, गांधी जी थे, उन सबको काफ़ी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, मेंटोर भी किया था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये 3 बार 1886 में। अब कांग्रेस बनी ही 1885 में थी, उसके जस्ट बनने के कुछ समय बाद ही बन गए थे 1893 में, 1906 में आफ्टर दिस बंगाल पार्टीशन हैपन्ड। देन द लंडन इंडियन सोसाइटी और द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको शुरुआत करने में भी इन्होंने मदद की थी। तो इनके बारे में कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूके में हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा मतलब क्या है, हमारे जो यहाँ के भारतीय लोग हैं ना जो वहाँ पर जाकर रह रहे हैं वो हमारा इंडियन डायस्पोरा है। तो 2011 का जो इंग्लैंड का सेंसस था ना उसके अकॉर्डिंगली उनकी पॉपुलेशन में 2.5% इंडियंस हैं। बहुत प्रॉस्परस हैं, बड़े समृद्ध हैं, बहुत ही डायनेमिक एथनिक माइनॉरिटी के तौर पर वहाँ रहते हैं। उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में होता है ना लोकसभा है और हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, तो हमारा जो राज्यसभा है ना उसका एक सिमिलर सा रिप्रेजेंटेशन इंग्लैंड में है, वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे लोकसभा का एक जो रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से वो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में ना 15 ऐसे इंडियन ओरिजिन मेंबर्स हैं और 25 के आसपास जो हमारे उनके वहाँ पर उनके राज्यसभा, हमारे यहाँ राज्यसभा है वहाँ पर उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। अब आप सोच करके देखो, इंडिया के राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और कंट्री के ओरिजिन का पर्सन यहाँ पर हो, उनके में है। इवन यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा है। आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन आया भी था कि बाइडन का जब इलेक्शन हुआ था ना 2021 में, आई थिंक नवंबर के आसपास हुआ था, एक साल पहले ही, तो उस टाइम पर ही क्वेश्चन बना था क्योंकि बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना बहुत सारे लोग थे जो इंडियन ओरिजिन के थे। एक तो हमारे जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, और उनका ओरिजिन तो इंडिया से था, उनकी फैमिली की जो बिलोंगिंग्स है इंडिया में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना 2021 में शायद कोई क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा डायस्पोरा के बारे में हो गया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तो इनका इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले 654 इंडियन डायस्पोरा के द्वारा ओन कंपनीज हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जो है ना वो 100,000 यूरो के आसपास है, कम से कम 100,000 यूरो। और कंबाइंड रिवेन्यू कितना पैसे अर्न करते हैं वो आता 36.84 बिलियन यूरो में। 1,74,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 1 बिलियन से ऊपर यूरो के आसपास का कॉरपोरेशन टैक्स पे किया जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 2 बिलियन यूरो के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। देखो इस तरह का डेटा ना आपको याद रहेगा नहीं, तो आपको ईजी कौन सा डेटा याद रहेगा, एक तो 654 इंडियन वाली कंपनीज और 1,74,000 वाला, ये ईजी है याद रखना, या फिर ये 1 बिलियन वाला कॉरपोरेट टैक्स रख दो। बेसिकली छोटा डेटा याद रखो, पर कम से कम एक डेटा याद रखो यहाँ से। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि उनकी पॉपुलेशन का ना 2.5% जो है ना वो हमारे इंडियंस हैं। ये दो डेटा भी अगर आप इनमें से कोई से ये याद रख लो, ये अच्छा है, 1 बिलियन का बड़ा अमाउंट है, ये दो डेटा भी आपको याद रहेगा ना, बहुत वैल्यू बन जाती है इससे। मोस्टली जो आपके साथ मेंस लिखेंगे ना, मोस्टली लोगों को इतना भी डेटा याद नहीं होता है। चैलेंजेस क्या होते हैं डायस्पोरा को, भाई कुछ ना डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, रेसिस्ट प्रैक्टिसेस, कॉलोनियल माइंडसेट आज भी वहाँ परसिस्ट करता है, इंडियंस को आज भी वो लोग ब्लैक कंसिडर करते हैं, जॉब्स के अंदर ना थोड़ी डिस्पैरिटी, थोड़ा भेदभाव किया जाता है, रेशियल अब्यूज़ भी होता है ना, टेररिस्ट के तौर पर ब्रांड भी कर दिया जाता है। अगर कोई इंडिया से कोई होता है ना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेगा और उस कम्युनिटी के कारण अगर यूके के अंदर कोई कभी इतिहास में कभी कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो पुरानी गाथा वो आज भी गा रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। वीज़ा के कुछ नॉर्म्स है ना ब्रेक्सिट के बाद, जब ब्रिटेन ने यूरोप से एग्जिट किया था, ब्रेक्सिट बोलते हैं उसको, उसके बाद उनके उन्होंने वीज़ा में कुछ बदलाव किए थे, किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह की जॉब वगैरह होंगी, उसमें थोड़ा सा रिवाइज़ करने का प्रॉब्लम है। फिर जो उनका लोकल पॉलिटिक्स है ना, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं, खासकर के मेयर लेवल के ऊपर। यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेशन है, हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 25 के आसपास है, बट लोकल लेवल के ऊपर नहीं है। तो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है ना, इनका जो रेमिटेंस होता है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट है। रेमिटेंस मतलब क्या, जैसे ये इंडियन जो भी यूके में रह रहे हैं ना, ये अपनी फैमिली को कुछ पैसा भेजते होंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह भेजते होंगे, वो सारा रेमिटेंस में काउंट होता है। तो इंडिया में ना वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस आता है, और इंडिया में भी ना हमारा जो केरला स्टेट है ना, यहाँ पर मैक्सिमम रेमिटेंस आता है। अब इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कोई इंडियन है
वो यूके में गया, कुछ साल रहा वहाँ, से बहुत कुछ सीख के आया, तो वहाँ से इंडिया में वापस आकर यहाँ के इंप्लीमेंट करता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ना एक्सपर्टीज़ भी लेके आते हैं तो डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। नेचुरल कलेमिटीज़ को मेंटेन करने में बड़ी मदद मिल जाती है, जैसे कि कुछ हमारी एनजीओज़ हैं, अक्षय पात्र हो गया, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, प्रथम है ना, इन सब से आपस में लोग मिलकर के काम कर पाते हैं। नेचुरल क्राइसिस के टाइम पर, नेचुरल कलेमिटीज़ में सब मिलकर काम कर पाते हैं, दूसरे की मदद करते हैं इन परिस्थितियों से उभरने के लिए। देर आर एजेंट्स ऑफ चेंज, डायस्पोरा हमेशा एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पर काम करता है। किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड टूरिज्म को एक्सेलरेट करना, डेवलप करना, प्रो इंडिया पॉलिटिकल कंटेक्स्ट बनाता है। हमारे भारतीय जब किसी दूसरे देश में रहेंगे, वहाँ पर हमारे देश के बारे में कुछ ऐसा बोला जाएगा तो हमारे भारतीयों को बुरा लगेगा, है ना। एंड इंडियन डायस्पोरा के ना बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी लिंक्स हैं इंडिया के साथ, जो रहते वहाँ पर हैं लेकिन हमारे यहाँ से उनके लिंक्स बड़े मजबूत हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। 2021 में जो G7 समिट था ना, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट भी किया गया था। सी, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, 2017 के अंदर ना इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर बनाया गया था, क्योंकि 70th ईयर था ना हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का और अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, तो इसलिए। फिर योगा है, आयुर्वेदा है, इंडियन कुजीन है, ये सब हम लोग शेयर करते रहते हैं उनके साथ में। एंड हमारा जो ग्रेजुअल तरीके से हमारा इंडियन कल्चर जो है ना, उसको बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने ना कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे हमारे डायस्पोरा को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि 2003 में ना गवर्नमेंट ने प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस था ना, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी लौट के आए थे भारत अफ्रीका से, तो उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। फिर हमारे पास पहले मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स थी, उसको हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मर्ज कर दिया था, ताकि दोनों मिलकर के हमारे इंडियन ओवरसीज़ में जो भी लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकें। नो इंडिया प्रोग्राम है, ये 3 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फॉर द डायस्पोरा, जिसमें लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो फेसेट्स होते हैं उसमें प्रमोशन किया जाता है, आइडियाज़ बताए जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है दूसरी कंट्री के साथ, ताकि हमारी जो इंडियन कम्युनिटीज़ उस देश में रहती है उनको हर तरह की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है भाई, हमारी जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स है ना, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। जैसे वीज़ा प्रॉब्लम आ रही, उसको हैंडल करना पड़ेगा। एक मल्टी फैसेटेड एंगेजमेंट पे काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, पीपल टू पीपल कनेक्ट बेहतर बना सकते हैं। फिर जो हमारे लोग ओवरसीज़ में काम करते हैं ना, खास करके जो ब्लू कॉलर्स होते हैं, उन पर काम करना पड़ेगा। अब उसमें एक स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर काम किया जा सकता है ना, जिस कंट्री में जा रहे हैं उनके साथ में, और जो हमारे ओवरसीज़ वर्कर्स हैं किस मिशन पे जा रहे हैं उसको मॉनिटर कर पाना, और उनके लिए ना कुछ एक कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम हम लोग लेके आ सकते हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी NRI है, उसको दूसरे कंट्री में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। देन कनेक्टिंग एट द इकोनॉमिक लेवल विद द डायस्पोरा, और हमारे जो इंडियंस होते हैं जो बाहर जाके रह रहे होते हैं, जिनके कारण फिर हमारे यहाँ नॉलेज एक्सचेंज होता है, रेमिटेंस वगैरह भी आता है, तो इसमें ना बहुत सारे प्रोफेशनल जो सीनियर पोजिशन पर काम करते हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनाया जाए फॉर दी आउटसोर्सिंग, ये हेल्प की जा सकती है। ICCR है, ये हमारे भारतीय डायस्पोरा, जो हमारा इंडियन काउंसिल है फॉर दी कल्चरल रिलेशंस, ये हमारे डायस्पोरा के साथ कनेक्ट कर सकता है, है ना। वहाँ से जो बेहतर चीज़ें हम अपनी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके पास जो बेहतर चीज़ें उन्हें हम लर्न कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इससे प्रवासी भारतीय दिवस बनाया ना, वट वी कैन डू इज कि हम लोग प्रवासी भारतीय भवन बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे हिस्टोरिकल बहुत सारे अचीवमेंट्स वगैरह होंगे डायस्पोरा के द्वारा, उनको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इट कैन बी डन। जब आप बन जाओगे ऑफिसर, तो आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो आपसे आइडियाज़ मांगे जाएंगे, तब आप बोल देना भाई, या तो आपके टाइम में ऑलरेडी आपसे पहले कोई करवा देगा इस काम को, नहीं करवा तो आपको मौका मिले तो ज़रूर बनवाना प्रवासी भारतीय भवन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इस तरह की, जिसको आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। पर जब आप बन जाओगे ना ऑफिसर, तब आपकी बात की थोड़ी मान्यता होगी। अभी तो आप एस्पिरेंट्स हो, अभी तो आप कितना सजेशन देते रहो, UPSC एग्ज़ाम में लिखते रहो, वो एग्ज़ामिनर चेक करेंगे और फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। बट जाहिर सी बात है, ये जो इनोवेशन आइडियाज़ आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी ब्यूरोक्रेट ने किसी न्यूज़ वगैरह में मेंशन किया होगा, फिर इस मैगजीन में आ गया है, तो दिमाग में बातें होती हैं, सजेशंस आर ऑलवेज देयर, बट कुछ चीज़ों को सेटअप करने में टाइम लग जाता है। आपको फ्यूचर में ध्यान रखना होगा और क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो जब आप ऑफिसर बन जाओगे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक नंबर 2.4, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, SADC। रिसेंटली CII और जो एक्सिम बैंक है, उन्होंने एक रीजनल कन्क्लेव किया था ऑन इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। एक्सिम बैंक की वही वाला है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है ना, तो इन्होंने किया था ये।
अभी कॉन्क्लेव हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि इंडिया का जो सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है ना, उन्होंने आपस में बैठ के कुछ बातचीत की थी। अब कॉन्क्लेव के अंदर डिस्कशन होता है, डायलॉग्स होते हैं, आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, थॉट्स होते हैं, क्या कुछ था वो समझने की कोशिश करते हैं। SADC क्या होता है पहले यही जानना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ज़रूरत है कि इंडिया अपने SADC के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज करे, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रेटजीज प्रपोज की गई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव रह चुके हैं इंडिया के अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इसका ओरिजिन 1980 में हुआ था। अब आप देख रहे हो ना ये अफ्रीका का मैप देख रहे हो, इसमें ये जो बॉटम वाली कंट्रीज़ है ना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मालवी, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये बॉटम वाली जो कंट्रीज़ है ये इनका ग्रुप है एक, तो राइट। तो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सदर्न अफ्रीकन। गोल क्या है इनका, इनका सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन गोल है। देखो ये जो गोल्स होते हैं ना इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज़ के, इनको एक एक बार तो पढ़ते रहा करो, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जो नेटो हो गया ना, अब नेटो एक तरीके से डिफेंस अलाई है, नेटो का काम सोशल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करना नहीं है, नेटो बनाया ही डिफेंस के लिए था। अब ये जो ग्रुप बनाया गया है ना, इनका काम है सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कुछ ग्रुप्स ऐसे बनाए जाएंगे जो सब में काम करेंगे, सोशियो इकोनॉमी पे भी काम करेंगे, डिफेंस पे भी, क्लाइमेट चेंज पर भी। इसमें 35% के आसपास अफ्रीकन लैंड एरिया, ये मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, याद वैसे भी नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें, एक तो अफ्रीका, उसमें भी साउथ अफ्रीका, उसमें भी इंडिया का कॉन्क्लेव हुआ, उसमें भी उस ग्रुप के आ करके वो कितना परसेंटेज है ये याद मत करना कभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वो होती है, मतलब ये वो माइंस होती है जिन पे पैर नहीं रखना वरना फट जाओगे। इंडिया और SAD का इकोनॉमिक रिलेशन क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपके लिए मेंस का क्वेश्चन का फोल्डर मिलेगा आपको। एक MOU साइन किया था, MOU का मतलब ही एग्रीमेंट ही होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को MOU बोलते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए 1997 में इंडिया ने। इंडिया का जो टोटल ट्रेड था ना, जो 2021 में 30 बिलियन के आसपास हो गया, जो 2012 में 27 बिलियन था, सिर्फ 3 बिलियन के आसपास तक इन लोगों ने उसमें इंक्रीमेंट किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है ना, एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इनके साथ अराउंड 5.4 बिलियन का। प्रॉब्लम ये कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, क्या क्या चीज़ें, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, और हम लोग अपने भारत से उस कंट्री में एक्सपोर्ट कम करते हैं। क्या क्या करते हैं, मिनरल फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इन दोनों में जो गैप है ना, उसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट में चल रहा होता है। अब ये जो कॉन्क्लेव हुआ था ना, इसमें एक विजन की बात की गई थी कि 2030 तक इंडिया और अफ्रीका के अंदर जो हम लोग 150 बिलियन के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे और तकरीबन 200 बिलियन के आसपास तक का ट्रेड रहेगा, इसको इस कंक्लेव में एक विजन के तौर पर सामने रखा गया था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया को SADC के साथ क्यों एंगेज करना है। एक तो यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है ना। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये सारे के सारे बहुत एसेंशियल हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए, क्या क्या, लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स। अभी जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, ये लार्जली चाइना के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आई थिंक इसको लेकर के एक प्रीलिम्स में स्टेटमेंट था, 2021 में था या 22 में था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट रिसेंट के एग्जाम में था, यही स्टेटमेंट था कि रेयर अर्थ के एलिमेंट्स जो होते हैं, तो साउथ अफ्रीकन रीजन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हैं, तो हमारे नेट ज़ीरो ट्रांजिशन के लिए हमको बहुत हेल्पफुल एक मार्केट मिल सकता है। चाइना की मोनोपोली है, चाइना अफ्रीका को टारगेट कर रहा है, चाइना हर चीज़ को टारगेट कर रहा है। जब से इनका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था ना, वो कोशिश कर, वो चाहे ना चाइना, अगर वो तो सीधे सड़क बना लेंगे US के अंदर भी। US में आपको पता होगा एक चाइनीज़ मार्केट है, एक एरिया है पर्टिकुलर जहाँ पर चाइनीज़ लोग रहते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं उस एरिया को। तो चाइना तो हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें चाइना की मोनोपोली को अफ्रीकन रीजन में भी रोकना होगा, इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्शन में अपनी इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, सिंस ये हमारे इंडियन ओशन के साथ टच करता है दिस रीजन, मॉरिशियस, मेडागास्कर वाला रीजन, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रोवाइड करना है ना, इस एरिया को सेफ रखना, एनवायरनमेंट को ठीक रखना। देन साउथ साउथ कोऑपरेशन हम लोग नीचे पढ़ेंगे आगे। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो और इंक्रीज़ हो रहा है, इंडिया बाकी कंट्री के साथ भी एनरोल कर रहा है खुद को, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो SADC जो है ना, इस तौर पर साउथ साउथ कोऑपरेशन में क्या है ना, ये हमारा जो अर्थ है ना, इसका जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज, जैसा कि ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, इंडिया वाला हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, तो ये कुछ सदर्न कंट्रीज़ हैं,
इनका आपस में एक कॉपरेशन है। एक्चुअली इसमें ना मोस्टली लो इनकम कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, तो यूएन की तरफ से ना एक तरीके का ये एक कह सकते हो एक आइडिया प्रोपेगेट किया गया था कि ये कंट्रीज़ मिलकर के आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, देन फर्दर दे कैन हेल्प ईच अदर आउट। सो इसलिए SADC इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है। फिर दूसरे सेक्टर्स हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो कॉमन जनरल सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को हम लोग और फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी आए, मैनेजमेंट हो। अब प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे? एक SADC ग्रुप, जिसके बारे में आपने शायद इस टॉपिक से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अब कुछ जनरल पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दो तरह के एंगेजमेंट्स होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में अगर कुछ ना आए तो जनरल पॉइंट समझ लो। गवर्नेंस का इशू होगा, करप्शन हो सकता है, मिसमैनेजमेंट, वायलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, पुअर गवर्नमेंट सर्विस होगी, कॉमन चीज़ें लिखो। इंटरनेशनल तो चाइना का चैलेंज रहेगा ही रहेगा मोस्टली जगह पे। चाइना की स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, चाइना बहुत कंसिस्टेंस है, चाइना के डीपर पॉकेट्स हैं। डीपर पॉकेट्स का मतलब होता है लॉट ऑफ मनी। चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है ना, रिसोर्सेज बहुत वाइड है, तो उनको अफ्रीकन रीजन में एक एज मिल जाता है। फिर हमारे पास एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है कोऑपरेशन कैसे करना है, हम लोग अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक लार्ज डेवलपमेंट गोल अगर हमें अचीव करना है, इसमें हमारे पास फूड आएगा, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा और बाकी सिक्योरिटी आएगी, तो हम लोगों को कोऑपरेशन के अंदर और फर्दर क्लियर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। डाइवर्सिटी, बहुत सारे मल्टीपल कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं साउथ अफ्रीका के अंदर ही, तो एक कंट्री एक व्यक्ति कितनी भाषाएं सीखेगा, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। स्किल्ड लेबर की इशू है, बहुत सारे टेक्निकल और प्रोफेशनल सेगमेंट्स में स्किलफुल लोग मिल नहीं पाते, तो एजुकेशन करने की ज़रूरत है, वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। फॉरेन कंट्रोल, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक ये है 2013 का एक एक्ट है, इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसमें ना वहाँ के जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे ना, उन्होंने कुछ बिडिंग वगैरह की थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स वगैरह होते हैं, तो इसमें कंपनी ऑनरशिप वगैरह चाहिए होती है ना, उनके ही द्वारा वही बिडिंग कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम बन जाता है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं तो चैलेंज बन जाते हैं कि इसके कारण इंडिया उस रीजन के अंदर ज़्यादा अच्छे से अपना एंगेजमेंट नहीं कर पा रहा। तो इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अपनी सहयोगिता को बेहतर करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे? एक हमारे पास ITEC है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसमें हम लोग कुछ डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस। सागर है, वो इंडियन ओशन का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इसे इंडिया ने जापान के साथ मिलकर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, क्योंकि इसमें तीन कंट्रीज इन्वॉल्व है ना। फिर इंडिया अफ्रीका का एक डिफेंस डायलॉग भी है, जिसमें 2022 में ही हम लोगों ने डिफेंस एक्सपो के टाइम पर इसमें काम किया था। कुछ इनिशिएटिव्स एक्सिम बैंक के द्वारा भी है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स है, COVID-19 के टाइम पर हम लोगों ने वैक्सीन बहुत सारे दिए थे। फिर 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की थी इंडिया अफ्रीकन एंगेजमेंट में, जो हमारा इंडिया का विजन स्टेटमेंट था वहाँ पर। दीज आर द थिंग्स जहाँ पे इंडिया ने ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब कुछ स्ट्रेटजीज प्रपोज की गई थी एक्सिम बैंक के द्वारा इस कंक्लेव में, क्या था? उन्होंने कहा था कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, इनको लेकर के ना एक अलायंस बना लिया जाए, है ना, और दोनों मिलकर के एक्सप्लोर करें, जॉइंट लेवल के ऊपर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दो। इससे ना इंडिया का जो मिनरल एसेट है, जैसे कोबाल्ट और लिथियम, ये भी सिक्योर हो जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू चेन्स है ना, उनको और बेहतर डेवलप करो, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट है ना, वो एटलीस्ट 50% हो जाना चाहिए टोटल एक्सपोर्ट का बाय 2030। मैन्युफैक्चरिंग वाले बात कर रहा है वो। हमारी अफ्रीकन माइनिंग सेक्टर के अंदर थोड़ी सी सर्कुलेटरी इंक्रीज करेंगे तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन है, रीपर्पजिंग वेस्ट रॉक, रिहेबिलिटेट करना माइंस को, रिसाइकिल करना, रीयूज करना व्हीकल के पार्ट्स को, कितने सारे हैं, है ना। अफ्रीका का पूरा माइनिंग सेक्टर के अंदर हम लोग और ज़्यादा एंगेजमेंट कर सकते हैं। देन एक्सेस टू द ट्रेड फाइनेंस इन द सदर्न अफ्रीका, अगर हम लोग चाहें तो पूरा का पूरा जो अफ्रीका का रीजन है ना, यहाँ पर एक फाइनेंस का गैप है 2019 का और 2020 का, तो पिछले पास डेकेड के अंदर इन्होंने कितना जो फाइनेंस का गैप क्रिएट किया था ना, ट्रेडिंग को लेकर के ही, ठीक है। 2019 में 81.8 बिलियन था और पिछले पास डेकेड के अंदर जो एवरेज निकला था वो 91 बिलियन का था। इस गैप को फुलफिल करने में इंडिया मदद कर सकता है। मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात करें तो एज पर द सिप्री इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंडिया जो है ना 2017 से 21 के बीच में 23rd लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर था, तो इंडिया यहाँ पर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास जेट्स भी हैं तेजस वगैरह टाइप के, हमारे पास अपनी टैंक्स हैं, इन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन सेल दिस टू द अफ्रीकन रीजन्स। तो ये था जी SADC, मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लगा ये वाला टॉपिक, बट क्या करें, जब ये एग्जाम में आया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। G7, G20, ASEAN, BIMSTEC, SAARC जो होते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं,
ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं। एक तो ब्रिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कभी बैंक्स आ जाते हैं, NDBs आ जाते हैं, AIA भी आ गया, DFI जो इतने भी होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं मल्टीलेटरल वाले, ये भी अच्छे होते हैं। ये तो बड़ा कुछ नया सा टॉपिक था, पर ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। अफ्रीकन रीजन जो है ना, उसको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लिए भी अच्छा है और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है। ये IR सेक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक है, बड़ा छोटू सा टॉपिक है, एक इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो रिसेंटली इंडिया और UN का जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ना, इसको 5 साल हो गए थे, इन्होंने सेलिब्रेट किया था साउथ साउथ कोलेबोरेशन को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डेवलपमेंट फंड क्या है और ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है। एक फैसिलिटी है जो 2017 में बनाई गई थी विद इन UNFCCC। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि 10 साल के अंदर इंडिया UN के फंड में ऑलमोस्ट $150 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, मतलब पैसे लगाएगा। इसको मैनेज कौन करता है? UN का ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, एंड इसको UN का जो नेशन सिस्टम है ना उसके द्वारा, यानी कि UN का जो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, इसको UNDP के द्वारा होस्ट किया गया था 1974 में। तो ये जो साउथ साउथ और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है ना, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं दोनों को समझेंगे, साउथ साउथ को भी और ट्रायंगुलर को भी। अब इसमें क्या होता है ना, साउथ के द्वारा ओन एंड लेड डिमांड ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आपको मैप दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का, ठीक है, यहाँ पर कुछ इधर से कहीं से निकलता है अपना इक्वेटर। अब इक्वेटर के नीचे आप देखोगे तो ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, 42% यहाँ पे है, 23% अफ्रीका यहाँ पर है। ये प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोई कंट्री का या फिर GDP या पॉपुलेशन नहीं है, ये इंडिया UN की डेवलपमेंट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट का कितना पोर्टफोलियो वो है। बट एक्चुअल में साउथ साउथ कोलेबोरेशन कोऑपरेशन क्या है ना, ये जो सदर्न कंट्रीज़ है ना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, ये कुछ मिडल ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इन सबका एक तरह का कोलेबोरेशन है। ऑलराइट, एक जो ट्रायंगुलर होता है उसमें क्या होता है कि एक नॉर्थ से हो जाएगा और दो साउथ से हो जाएंगे, तो उसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, मान लो एक यहाँ से हो गया, इसको हम लोग ट्रायंगुलर कोऑपरेशन बोल देते हैं। साउथ के अंदर सारे के सारे कोलेबोरेशन जीरो नीचे से होते हैं। अब ये एक टेक्निकल कोऑपरेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का इन द ग्लोबल साउथ, है ना। यहाँ पर टू या फिर टू से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने खुद के इंडिविजुअल या फिर शेयर्ड नेशनल कैपेसिटी से कुछ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब अर्जेंटीना, आपको पता होगा अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनो एरेस। अब ब्यूनो एरेस तो रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि फीफा 2022 जो है वो जीत लिया है, मेसी ने मतलब मेस क्रिएट कर दिया था, ज़बरदस्त वाला, मज़ा ही आ गया। तो वहाँ पर ना ब्यूनो एरेस का एक प्लान ऑफ एक्शन था फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब यहाँ कहीं अर्जेंटीना मैप में इस रीजन में सदर्न साइड में फॉल करता है। अभी जो प्लान था ना, इसमें उन्होंने बात की थी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जो मोस्टली प्लैनेट के साउथ साइड में लोकेटेड है, उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया था इस तरह के कोऑपरेशन के ऊपर। जनरली काम क्या होगा, एक दूसरे की सॉवरनिटी, संप्रभुता का सम्मान करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के जो अंदरूनी मामले होंगे ना उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, हमारे जितने भी अधिकार होते हैं ना उनकी समानता पर काम करेंगे, इक्वलिटी ऑफ राइट्स पर। तो ऐसे ना कुछ और भी कोऑपरेशन होते हैं, जैसे एक होता है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, ये बहुत ट्रेडिशनल टाइप का रहा था, है ना। जैसे कोई भी डेवलप्ड कंट्री है ना, वो इकोनॉमिकली दूसरी डेवलपिंग कंट्री को मदद देती है, कभी नेचुरल डिजास्टर में या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में। एक डिवीजन बनता है नॉर्थ एंड साउथ का, ये जनरली किस तरह के सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे ना उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या ना, नॉर्थ के अंदर मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं और साउथ के अंदर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर हम लोगों ने बात की ना ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की, इसमें तीन एक्टर्स होंगे, दो होंगे साउथ के और एक होगा नॉर्थ का। अभी जो लेटर होगा ना, यानी कि ये कोई जो मतलब नॉर्थ वाला होगा ना, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि जो साउथ के कंट्रीज़ है ना वो आपस में टेक्निकल असिस्टेंस को एक्सचेंज कर सकें। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन में दिक्कत क्या आती है, एक तो यूनानिमसली किसी चीज़ की डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट है कि भाई वहीं पर चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, बहुत सारे सस्पिशन है, राइवलरीज है आपस में, छोटी छोटी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स जो है ना, बड़े लो लेवल के बैरियर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बैरियर बना रखे हैं, एक दूसरे का मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट नहीं करते, है ना। और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी साउथ में अभी भी डोमिनेशन क्रिएट करके रखी हुई हैं। इंडिया और UN का जो पार्टनरशिप डेवलपमेंट फंड था उसमें क्या कुछ चीज़ें, इक्वालिटी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नो कंडीशनलिटीज़, स्पिरिट ऑफ साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट, पीपल सेंटर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी,
17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी एड्रेस है, नेशनल ऑनरशिप एंड लीडरशिप, यूएन सिस्टम पार्टनरशिप, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे के सारे ना आपके कीवर्ड्स हैं आंसर राइटिंग के लिए। और ऐसे मैंने आप लोगों को 400 प्लस प्रोवाइड किए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, आंसर राइटिंग में बड़ा मज़ा आएगा। क्या कर सकते हैं फर्दर, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे काम कर सकते हैं जिसमें मल्टीप्लायर और कैटालिटिक इफेक्ट होंगे। मल्टीप्लायर और कैटालिटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर मतलब आप एक काम करोगे ना उसके अलग अलग डायमेंशन के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कुछ लोगों को ट्रेन कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर कर दिया, तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर सर्विसेज पे, सॉइल मैनेजमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, सारे सेक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों पे काम करो जिनके मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, है ना। और कैटालिटिक, कैटालिटिक का मतलब होता है जो चीज़ आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दे। जैसे उन्होंने कहा था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दो साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर, तो कितनी सारी फैसिलिटीज़ होंगी ना, एजुकेशन सेक्टर जुड़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बेहतर हो जाएगा, कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगा, ट्रेड कितना बेहतर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें करो जो एक बारी में एक तीर और दो निशाना, ऐसे कुछ टाइप की चीज़ें। फिर बहुत सारा इंस्टीट्यूशनलिज्म करना पड़ेगा, साउथ साउथ मैकेनिज्म्स में ना कुछ चीज़ों को प्रमोट करना है, जैसे कि कुछ G77 के चैप्टर्स हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है, G15 है, ओपेक है, इन सबको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की ज़रूरत है। अब देखो ओपेक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आप लोगों ने ये G15 और G77 ने बहुत रेयरली सुने होंगे, इनके अंदर ना बहुत गहराई में जाना भी मत। हाँ, समय बर्बाद मत करना कि ये तो G15 भी पढ़ूंगा फिर मैं G77 भी कवर करूंगा। न्यूज़ में मोस्टली G7 और G20 रहते हैं, ठीक है, ASEAN रहेगा, SAARC रहता है, और शंघाई कोऑपरेशन रहता है, ब्रिक्स रहता है, नेटो रहता है, ये जो कुछ पॉपुलर जो न्यूज़ में बने रहते हैं ना उनके बारे में ही पढ़ना। G15 और G77 आपको रेयरली कभी न्यूज़ में दिखाई, अभी तक तो दिखाई दिए भी नहीं होंगे शायद जब से आपने प्रिपरेशन की है, तो इनकी गहराइयों में मत जाना, बहुत समय बर्बाद करोगे इनको पढ़ने में। और G77 की कंट्रीज़ तो वैसे भी कभी नहीं याद कर सकते और UPSC पूछेगा भी नहीं। G15 के बारे में कभी सुना ही नहीं आपने न्यूज़ में, तो जो चीज़ न्यूज़ में है ना UPSC को उससे मतलब भी नहीं होता है। फिर रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन, तो टाइमली मॉनिटरिंग फीडबैक मैकेनिज्म बना सकते हैं ताकि चीज़ों को रिव्यू किया जाए और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर काम किया जाए। तो जी ये था UN का फंड और साउथ साउथ कॉपरेशन ट्राइंगुलर कॉपरेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा। अब हम लोग IR का न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं। एक है टॉपिक है फ्रेंड शोरिंग, तो US के जो ट्रेजरी सेक्रेटेरिएट है ना उन्होंने इंडिया के साथ फ्रेंड शोरिंग की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया और US के बीच में जो कुछ सप्लाई चेन्स वगैरह होते हैं ना इनको हम लोग एक काम करते हैं इंसुलेट कर लेते हैं, यानी कि इन दो कंट्रीज़ के बीच ही ये चीज़ों का ट्रेड वगैरह होगा, इसमें कोई दूसरा बाहर से एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो पास्ट फ्यू ईयर्स है ना वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें देखी, US ने लोगों ने US का चाइना का ट्रेड वॉर देखा, राइट, अभी वो रशिया का इन्वेजन देख रहे हैं ओवर द यूक्रेन, लोगों ने COVID-19 को भी देखा। अब इस सबके दौरान ना क्या हुआ कि जो सप्लाई चेन्स होते हैं ना वो बहुत डिसरप्ट हुए थे, तो नाउ इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ना, एक सप्लाई चेन अपनी फिक्स कर लेते हैं, तो बाहर कोई भी डिसरप्शन होता रहेगा हमारा सप्लाई चेन चलता रहेगा। और उन्होंने कुछ सेक्टर्स की बात की थी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, मिनरल इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन पर फोकस करते हैं। अब इस तरह का फ्रेंड शोरिंग करेंगे, पहली बात तो फ्रेंड शोरिंग जो टर्म है ना ऐसे और भी टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑफ शोरिंग, एक होता है री शोरिंग होता है। ऑफ शोरिंग का मतलब कंपनीज कटिंग द कॉस्ट बाय शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीज विद चीपर लेबर, ठीक है, ऑफ शोर अपनी उनको लगेगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और मान लो भूटान है, अब मुझे पता नहीं भूटान में कितना चीप लेबर है, बट मैं एग्जाम्पल देकर आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कोई स्किल्ड लेबर है ना वो दिन के 1000 रुपये लेता है, बट भूटान के अंदर वही स्किल्ड लेबर ना 300 रुपये में काम कर देता है। तो कंट्रीज़ क्या करेंगे, ऑफशोर करेंगी, अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ना मोस्टली भूटान में लगा देंगी कि वहाँ पर हमको लेबर को कम पैसा देना पड़ेगा। एक होता है रीशोरिंग, यहाँ पर कंट्रीज़ ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन बैक टू देयर होम कंट्री, जो ऑफशोरिंग में किया था ना उसका ऑपोजिट, अपनी कंट्री में वापस लेके आना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ना, इससे जो कुछ नेशंस है चाइना और रशिया जो है ना ये हर बार मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजिशन का ना लेवरेज मतलब होता है फ़ायदा उठा लेते हैं और वो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे चाइना ने US के साथ ट्रेड वॉर किया, बहुत सारे ग्लोबल चेन को डिस्टर्ब कर दिया, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप वॉज द प्रेजिडेंट देयर। अब रशिया का जो हो रहा है, रशिया के कारण रशिया ने फिर अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए। तो ये चीज़ें ना इंडिया US को चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे इसलिए फ्रेंड शोरिंग करते हैं। फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स होंगी थोड़ी सी और डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, है ना, इससे क्या होगा कि ज़्यादातर एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं ना, वॉर, फेमाइन, पॉलिटिकल चेंजेस, इन सब का इम्पैक्ट नहीं होगा।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, एक तो वर्ल्ड ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप जो ये आइडिया लेके आए हो फ्रेंड शोरिंग का, ये तो डी ग्लोबलाइजेशन वाली चीज़ हो गई है ना, और इससे सप्लाई शॉक ज़्यादा चले जाएंगे, फिर बहुत सारी पुअर कंट्रीज हो सकती हैं, हो सकता है कि वो इस ग्लोबल ट्रेड से बाहर हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, तो वहाँ तो डेवलपमेंट ग्रोथ ये सब तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीडीपी इंपैक्ट पड़ेगी, जीडीपी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट जाएगा। तो दिस आर द इश्यूज़, तो कीवर्ड है की टर्म है, ये आपको की टर्म याद रखना पड़ेगा, और दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स। देखो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ना इस तरह की जो मैगजीन्स होती है ना, इनको पढ़ पढ़ के ना आपको दोनों साइड देखने आ जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देखनी आ जाती है, आपको कंसर्न देखने आ जाते हैं, तो प्रिपरेशन अपने आप में आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देती है। इसलिए बस इनको ना भी कुछ याद हो ना तो पढ़ते ज़रूर रहो, ब्रेक मत दो। और अगर किसी को ये मैगजीन वगैरह पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, समझ में नहीं आ रहा होता, दिन के ना दो टॉपिक्स बस रीड कर लिया करो, तुमको सिर्फ रीड रीड करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अगर तुम्हें लगे याद नहीं हो पा रहे हैं, तुम बार बार 10 मिनट बैठो और सिर्फ रीड करो, उसको रिकॉल भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। उस वक्त 10 मिनट पढ़ते हुए फोकस से पढ़ो, वो बोल रहा है ना कंसर्न, तो सोच करके देखो, जब उसने बोला कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ए डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जब तुम इस शब्द को पढ़ो ना डी ग्लोबलाइजेशन को, तो दिमाग के अंदर ना एक इमेज बनाओ, ग्लोबल वर्ल्ड है ना, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, सडनली एक ऐसा आइडिया आया ऑफ शोरिंग का, मतलब फ्रेंड शोरिंग का, जो डी ग्लोबलाइज करेगा। ये पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में कुछ इमेज बनाते रहो, दो दो टॉपिक रोज पढ़ोगे ना, तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ। अब एक चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, चाइना ने रिसेंटली क्या किया ना, 19 कंट्री के साथ मिलकर के ना एक फोरम बनाया, उसमें उन्होंने इंडिया को बुलाया नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग एक मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन का कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनाएंगे। अब इंडिया बोल रहा है कि भाई हमने क्या पहले कितने बना रखे हैं, इंडियन ओशन मरीन एसोसिएशन वगैरह है, कितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो चाइना कर क्या रहा है ना, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके ना वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। फिर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ था, उसका एक इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन नेवी की, तो बस इतना ही जानना है इसमें, और क्या जानोगे। तो US के ना करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, उसमें से उन्होंने इंडिया को रिसेंटली रिमूव कर दिया था। तो US गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ कंट्रीज़ जो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करती है ना, उनको अपनी एक लिस्ट में ऐड कर देती है, तो उनको मॉनिटर करते रहते हैं यार ये अपनी करेंसी को ना मैनिपुलेट करते हैं, तो उन्होंने इंडिया को उसमें ऐड किया होता पहले, अब उसको रिमूव कर दिया है, बस ये अपडेट था। तो दिस वॉज अबाउट द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ IR सेक्शन।